ये जो मुतालबा जिस दिन मेरा पूरा कर दे मैं उसकी ग़ुलामी के लिए तैयार हूं चाहे वो तारिक जमील का चाहने वाला हो अब ये तो पागल हो गया बेटे की मोहब्बत में उसका बेटा अभी मारा खुदकुशी किया इसी के देवबंद का एक मौलवी है अभी वो क्लिप मेरे मोबाइल में है इसमें लैपटॉप में नहीं डाल पाया मैं वो खुद कहता है कि मैं तारिक जमील से मिलकर आया तो तारिक जमील अब दीवाना हो चुका है होश आवाज़ ख़त्म हो गए नहीं इसका बेटा मरा अभी सगा बेटा गोली मार दिया उसने अपने आप को और ये इतना बेसबरा हो गया कि उसी की मोहब्बत में रोता रहता और वो खुद तनकीद कर रहा है देवबंद का ही मौलवी है कहता तारिक जबील ख़त्म हो गया बोले अब कोई काम का नहीं रहा उसको दो लोग उठा के लाए बोले जब मैं मिलने गया पकड़ के लाए बोले उसको दो लोग सारी जिंदगी बोले सब्र सब्र बोलता रहा बोले और खुद इतना बेसबरा हो गया सारी जिंदगी लोगों को बोले कुरबानी और अल्लाह की रजा पर राज़ी रहना ये सिखाता रहा बोले आज खुद राजी नहीं कलम लिया एक जायचा बनाया देखा फाड़ दिया दूसरा लिया बनाया फाड़ दिया तीसरा लिया बनाया फाड़ दिया चौथा लिया बनाया फाड़ दिया जब लाता था जायचे बनाता रहा फाड़ता रहा अब वो तालिब ने बताता क्यों नहीं कि तेरा रजब को इतने बजे जो बच्चा आया वो क्या होगा पादरी खाओगे होकर लगा अब वो जो वक्त तू बता है उसमें अल्लाह तो पैदा हो सकता आपके कुछ समझ में आई बात तेरा रजब वो तारीख है जिस दिन मौला हजरत मौला अली दुनिया में तशरीफ लाए अबू तालिब जो घड़ी तू बता रहा है जो तारीख तू बता रहा है जो साथ तू बता रहा है इस साथ में तो खुदा पैदा हो सकता है अल्लाह पैदा हो सकता है बच्चा पैदा नहीं हो सकता यानी ये पैदा होने वाला नऊस बिल्ला इंसान नहीं है ये खुदा थे पूरी की जान मुस्तफा है कायनात में मुस्तफा है कायनात चल रही है आका कायनात को छोड़कर निकल गए कायनात रुक गई मुस्तफा कायनात चल पड़ी इसी को आलादत कहते हैं वो जो न थे तो कुछ न था वो जो ना हो तो कुछ ना हो जान है वो जहान की जान है तो जहान है Allahumma sunna, Muhammadin. Allahumma sunna, में, कलकत्ता की सरजमीन पर आज का ये एक रोजाजान जलसा जो आमद रसूल कॉन्फ्रेंस के नाम से मुनद किया गया है जिसमें आप और हम मैं सब शरीक है यहाँ सुबह तकरीबन 11 बजे मेरी यहाँ आमद हुई तब से लेकर अब तक बानिया ने जलसा और हमारे नौजवानों की मोहब्बत इनका ख़ुलूस इनके लिए लाइत मेरे पेश नज़र है दिनों सोनीत के फरो के लिए इन नौजवानों में मैंने जज्बे को महसूस किया है बड़ी मेहनतों और काविशों के बाद इस बजम का हमारे इन अहबाब ने इन नौजवानों ने अहतमाम किया और उनकी काविशें आज इस जलसे की शक्ल सूरत में हमारे पेश नज़र हैं मैं रब तबार को तला की बारगाह में अपने इन अहबाब अहल सुन्नत अपने नौजवानों के लिए दुब गो हूँ के खाली के हमारे इन तमाम नौजवानों की उम्र में इल्म में रिस्क में दीनी दुनियावी मामला में बरक़तें और तरक् आता फरमाएं इनके हौसले में मज़ीद इजाफा आता फरमाए साथ ही इस वक्त मसज रसूल पर कौम मिलत सदर ओलए अहल सुनत फरमाए एम मसाजिद है इकराम है शरा है चूँकि मैं उलमा के नाम बना सबसे वाकिफ़ नहीं हूँ जिस कदर भी मस्ंद रसूल की जीनत है हमारे लिए काबिल एहतराम है हमारे सरों के ताज है रब्तार को ताली हमारे इन तमामा अहल सुन्नत की उम्र में रस्क में बरकत बरकती फरमाए और इनसे दीन दुनिया की दीन की ख़िदमत लें और इनकी दुनिया भी बेहतर बनाए इनके आख़रत को भी बेहतर बनाए साढ़े बारह तकरीबा बज गए हैं और सर आते हैं सर्द रातों में ठंडी की इन रातों में साढ़े बारह भी बहुत ज़्यादा महसूस होते हैं अब ये मेरा आखिरी खिताब है और इन शेर अख्ताम होंगे सलाम पर चंद ज़रूरी बातें अर्ज़ करने के लिए मैं हाज़िर हुआ हूँ मुझसे क़बल हमारे ख़ीब अहल सुन्नत ने इस्लाम माशरह के हवाले से वालदेन के हक़ूक़ के हवाले से गुफ्तु की उससे पहले भी कुछ ख़िताब हुए और तकरीबन सभी ख़ाबा इस्लाम माशर पर मबनी थे चूँकि मुझे मौजू जो है इसलाह अकायद के हवाले से दिया गया है लिहाजा जो हुक्म है उसकी तामील में मुझे उसी पर गुतगु करनी है तमीर को मैं अब बहुत ज़्यादा लंबी ना करते हुए अपने असल मौजू पर आऊँगा क्योंकि वक्त ज़्यादा नहीं है कोशिश करूँगा कि कम वक्त में ज़्यादा बातें बयान करके अपने खिताब को ख़त्म करूँ हजरत उम्म सदी तु नबी पाक सल्हस की जोज मतारा है हमारी हम मोमिनों की माँ है उनसे खदीश आती है कुतुब हदीस में जिसके अल्फाज ये है कि उम्म सदी तसोल साना यकूल हरत उम्मा रदी अल्लाह तनहा फ़रमाती हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक थी आपका ये हमेशा का अमल था कि इजा असल सुबह ही ना युसू क्या आप उस वक्त ये जुमले कहते कि जब आप सुबह की नमाज़ पढ़ चुके होते और सुबह की नमाज का आप सलाम फेरते तो उसके बाद ये अल्फाज आप दुआ के तौर पर अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करते और यहाँ काना इस बात की तरफ इशारा करता है कि यह आपका हमेशा का मामूल था इस्तमरारी जुमला है काना कि इस पर आप पाबंद थे और हर फजर की नमाज सुबह की नमाज़ यानि फज्र की नमाज़ के बाद जब आप सलाम फेरते और सलाम फेरने के बाद जब आप दुआ फरमाते तो ये दुआ आप बिलखसूस तौर पर यह दुआ ज़रूर आप करते थे और हमेशा का ये आपका अमल था और दुआ ये होती थी अल्लाह मन असलों का इम्नाफ्या वर् तैयबा तयबा अमल अमलमतकबला ये तीन अल्फाज है इस दुआ में जो नबी वसल्लम की ज़बान अकदस से निकलते थे इससे पहले कि मैं तर्जुबा बताऊँ पहले हवाले भी सुन लें इसको बहुत सारे मोहदसिन ने लिखा है इस वक्त मेरे पास तकरीबन दस किताबों के हवाले हैं मैं चंद किताबों के हवाले आपके सामने बयान कर देता हूँ इबिन माजा ने इसको अपने सुनाना इबन माजा में नक़ल किया किताबू हदीस नंबर नौ सौ पच्चीस इसको इमाम नसाई ने अपनी किताब असोनल्क़ब्रा हदीस नंबर नौ हज़ार आठ सौ पचास पर इमाम अब्दुलजाक ने अपनी अल मेंदी नंबर तीन हज़ार एक सौ इक्यानवे पर इमाम इबन अबी शैबा ने जो इमाम बुखारी वगैरह के उस्ताद हैं उनकी किताब अलमुसनफ़ हदीस नंबर उन्तीस हज़ार आठ सौ पचहत्तर इमाम अहमद इबन अमल ने अपनी मुस्त अहमद के अंदर हदीस नंबर छब्बीस हज़ार पाँच सौ इक्कीस और भी बहुत सारे मोदी ने जैसे इमाम अबी याला ने मुस्तदुल अबी अला के अंदर इमाम तबरानी ने अल आजुम्लकबीर में इमाम पैकी ने शाइब लाईमान में इमाम अबिनब्दुलबर ने अलजाम जाम बयान बयानिल वफजहही और भी बहुत सारे मोदी सि ने तकरीबन दुआओं के तल्ल से जितनी भी मोदीसिन ने हदीसों को जमा किया इस दुआ का इस हदीस का जिक्र ज़रूर किया तो आका सल्लल्लाहु अल्लाह ताल्म हर सुबह की नमाज के बाद अपनी दुआ में तीन जुमले अर्ज करते रब की बारेगा में पहला इल्म नाफिया ए मेरे परवरदिगार मैं तुझसे नफा बख्श इल्म तलब करता हूँ कौन सा इल्म मांगता हूँ नफा बख्श फायदा पहुंचाने वाला नफा देने वाला वरिशकन तैयबा और मैं पाकिजा रिस्क तुझसे मांगता हूँ रिस्क हलाल और तीसरा फिर आप जुमला फरमाते वो अमला मुतकबला और अपने अमाल की मकबूलियत की मैं दुआ करता हूँ जो भी मैं अमल करता हूँ परवरदिगार तो उसको अपनी बारगाह में कबूल फरमाए ये हम गुलामों की तालीम के लिए वरना हर नबी का हर अमल काबिल कबूल है काबिल कबूल क्या है नबी जो करे वही शरीत है वही अमल जो है सुन्नत है और जो सुन्नत है वह अल्लाह का पसंदीदा अमल है तो सुन्नत की अदायगी पर जब बंदों को सवाब मिलता है तो नबी की हर अदा शरीय है नबी की हर अदा दीन है नबी की हर अदा अल्लाह की पसंदीदा है मगर हम मम्मी की तालीम के लिए यह दुआ अब इर्शात फरमा रहे हैं कि लोगों जब मैं नबी होकर यह दुआ करता हूँ तो ये तीन दुआएं तुम भी अब हमेशा अल्लाह की बारगाह में करो ये कि इल्म, लेकिन इल्म कैसा नफ़ा बख्श तो पता चला कि इल्म दो तरह का होता है एक इल्म जो होता है कि जो इल्म तो होता है लेकिन नफा बख्श नहीं होता नुकसानदेह होता है और एक इल्म वो होता है जो नफ़ा बख्श होता है फ़ायदेमंद होता है जिससे अपनी खुद की भी आखरत संवरती है अपने अंदर भी तब्दीली आती है और वही इल्म जब दूसरों तक पहुंचता है तो दूसरों के लिए भी नफा बख्श और फायदेमंद हो जाता है और अगर खुदा न खासता नुकसानदेह हो तो ख़ुद भी ऐसा इम हासिल करने वाला अपने आप को हलाक करता है और वो इलम जब दूसरों में मुंतकिल करता है तो दूसरों को भी हलाकत में डाल देता है इसी बुनियाद पर इस हदीस की बुनियाद पर सुन्नत ने हमारे हमारे आइमा ने नेम को दो कैटेगरियों में दो हिस्सों में तकसीम किया है कहा गया है कि एक इम होता है इल्म नाफ़े और एक होता है इमर मुजिर नाफे नफा देने वाला फायदा देने वाला इल्म। मुजिर नुकसान पहुंचाने वाला इल्म। अब अगर मैं इसकी मिसाल दूं तो बहुत लंबी गुफ्तगु की जा सकती है बल्कि पूरा बयान इसी पर हो सकता है लेकिन मौजूद ये नहीं है लेकिन मैंने अपनी मौजूद और अपनी तकरीर का अनुवान इस हदीस पाक को इसलिए बनाया कि मैं आज बताना चाहता हूँ कि मुसलमानों में जिन लोगों तक इल्म नाफ़े पहुँचा वो ख़ुद भी हिदायत याफ़्ता हुए और दूसरों को हिदायत देने का सबब बने और जिन तक इल्म पह पहुँचा लेकिन इल्म नफ़ा बख्श नहीं था इल्में नाफे नहीं था इल्म मुजिर था नुकसान देता तो उन्होंने समझा कि हम तो इल्म वाले हैं आली में फाजिले और अपने इल पर घमंड किया मगर इस तरफ तोजह नहीं थी कि ये जो इल्म है जिसकी बुनियाद पर वह घमंड करते हैं फ़्र करते हैं गुरूर करते हैं तकबर करते हैं ये इल फ़ायदे बख्श है या नहीं है दर हकीकत वो इल्म फायदा बख्श नहीं था नुकसान दे था वह अपने आप को तो सही समझते रहे हिदायत याफ्ता जानते रहे और खुद को हिदायत याफ्ता समझ कर वह इम दूसरों को इस नीयत के साथ के हम गोया दूसरों को हिदायत दे रहे हैं दूसरों तक मुंतकिल करते रहे लेकिन चूंकि इल्म नाफ़े नहीं था अल्लाह का पसंदीदा इलम नहीं था नतीजा ये हुआ कि खुद भी गुमराह हुए और करोड़ों लाखों को गुमराह कर दिया और फिर ये इलम जैसे जैसे बढ़ता गया इलमे बढ़ता रहा तो हक्कानियत बढ़ती रही इमे बढ़ता रहा तो हक जमात में इजाफा होता रहा और इलम मुजिर भी बड़ा साथ तो साथ जैसे जैसे मुजर बढ़ता रहा तो फिरके पैदा होते रहे नए नए फिरके हुए नए नए जमाते आई नए नए अफकार और नए नए ख्याल पैदा होते रहे इसकी बुनियाद इल नाफ़े और इल्म मुजिर की अगर देखा जाए तो इंसान की तकलीक के साथ ही हुई है हजरत आदम की तकलीक हुई फरिश्तों को भी अल्लाह ने इल्म दिया था मगर उनके इल्म में खास बात थी कि उनका इल्म इल्म नाफे एल्म था और नाफे बख्श इल्म की एक पहचान यह बयान करते हैं कि जो इल्म के साथ आजीजी होती है वो नफा बख्श इल्म होता है जिस इल्म के साथ गुरूर और तकबर होता है वो इल्म नुकसानदेह और इल्म मुजिर होता है फरिश्तों को जो अल्लाह ने इल्म दिया उसमें आजीजी भी थी इनके भी थी लेकिन इन सबको पढ़ाने वाला एक था जो मलाई कहला का कहलाता था फरिश्तों का उस्ताद कहलाता था इल्म उसके पास भी था मगर उसका इल्म मुजिर था उसको इतना घमंड हुआ कि मैं फरिश्तों को पढ़ाता हूं तो मुझसे बढ़कर कोई जानने वाला नहीं मुझसे बड़ा कोई रू समझने वाला नहीं मुझसे बड़ा कोई आलिम नहीं इसी तकबूर और इसी घमंड ने उसके इल्म को उसके लिए नुकसानदेह बना दिया और नतीजा क्या हुआ कि जब अल्लाह ताला ने आदम की तखलीक की और फरिश्तों से कहा कि मैं ज़मीन पर एक खलीफा बनाने वाला हूँ इस बारे में तुम अपनी क्या राय रखते हो तो फरिश्तों ने कहा परवरदिगार उसको पैदा करेगा जो खून रेजियाँ करेगा तबाही मचाएंगा क्योंकि जिन्नातों का तजुर्बा उनके सामने मौजूद था इंसानों से पहले ज़मीन पर जिन्नात आबाद थे और जिन्द आपस में लड़ते थे खुंदेजियाँ करते थे उस तजुर्बे की बुनियाद पर फरिश्तों ने अर्ज़ किया अल्लाह ने फरमाया इन आलम तालम उन जो मैं जानता वो तुम नहीं जानते ये इंसान को मशरफुलमखलूक़ात इसलिए बना रहा हूँ इसमें बहुत सारी खूबियाँ होंगी ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान फसादी हो हर इंसान खुंदेजी करने वाला हो इंसानों में अम्बिया भी होंगे अलिया भी होंगे अखताब भी होंगे कुतुब भी होंगे आयमा भी होंगे उलमा भी होंगे और जब आदम की तख्लीफ की अल्लाह ताला ने और अल्लाह ने फिर आदम को भी इलम दिया नाफेम नाफ़े दिया आदम अलैहिस्सलाम को तो उस इलम के साथ आजीजी भी थी इनके सारी भी थी खाक सारी भी थी अल्लाह ने कहा कि आदम चीज़ों के नाम बताओ जो इलम दिया उसका ज़रा इजहार तो करो आदम सलाम ने जब अपने इम का इजहार किया तो फरिश्तों को एहसास हुआ कि आदम के पास जो इल्म है वह हमारे पास नहीं है हमसे बढ़कर इल्म जानने वाले आदम हैं फरिश्तों ने आजीजी की और क्या कहा जुमले उनके आजीजी पर मबनी थी जिसको कुरान ने बयान किया पारा नंबर एक सोरह बकरा आयत नंबर बत्तीसान काम तना इन तलाम्लिम उन्होंने कहा बोले कि पाकी है तुझे हमें कुछ इलम नहीं मगर उतना जितना तूने हमें अता किया हम ज्यादा इल्म पर घुर नहीं करते घमंड नहीं करते जो कुछ इल्म है उसकी भी इजाफत उसकी भी नस्बत हम तेरी तरफ करते तू नहीं हमें यहम अता किया तेरे लिए पाकि है कि हम जितना जानते हैं जो तूने हमें सिखाया उतना ही जानते हैं बेशक तो ही इल्म और हिकमत वाला है हकी वाला तू है हिकमत तेरे पास है यह आ चीज ही थी मगर उसके बरक्स इब्लिस को यह घमंड था कि यह खाकी पुतला मुझसे ज़्यादा ना बड़ा आलिम हो सकता है ना मुझसे ज़्यादा अफजल हो सकता है अपने इलम की बुनियाद पर अपने इल्म की बुनियाद पर उसने क्या कयास आरियाँ की कि मैं आदम को सजदा क्यों करूँ आदम की तज़ीम क्यों करूँ आदम के सामने मैं झुकूँ क्यों आदम को अपने से बड़ा आलिम और फाजिल अपने से बर्तर और मरतबा में बुलंद और बाला क्यों मानूँ इसकी तखलीक मिट्टी से हुई है उसने यह ना देखा है कि तखलीक का मसला नहीं है अल्लाह जिसको चाहता है फजीला तता फरमाता है वो मटेरियलों के तकाबुल में खूब गुम हो गया आज भी तो कुछ लोग हैं ना कि ये नहीं देखते कि नबी को अल्लाह ने बुलंद वाला किया है वो आज नबी से कैसे तकबुल करते मोहम्मद भी इंसान है हम भी इंसान हैं नऊज मोहम्मद के भी दो हाथ थे हमारे भी दो हाथ हैं मोहम्मद की भी दो आँखें हमारी भी दो आँखें हैं मोहम्मद की भी एक ज़बान है हमारी भी एक जबान है मोहम्मद ने भी निकाह की हैं हमने भी निकाह की है मोहम्मद की भी औलादे हुई हमारी भी औलादे हुई मोहम्मद और हम में कोई फ़र्क नहीं मगर वो सिर्फ हमारी तरह एक इंसान और दलील में क्या लाया इलम मुजिर की बुनियाद पर दलील और जो कयास आ रही है कि समझा कि हम हिदायत पर हैं। हम तो कुरान से दलील दे रहे हैं और कुरान की दलील बशरुम महबूब आप फरमा दीजिए मैं तुम्हारी ही तरह इंसान हूं कहा कुरान में है तो हम तो नबी को इसलिए अपनी ही तरह मानते लेकिन इलम था इस आयत को समझ ही ना सके हकीकत में यह है कि इस आयत में ही बशरीत का इनकार है जिसको ये इंसान अपनी तरह इंसान को समझने की दलील ले रहे हम रसूलुल्लाह को बशर तो मानते मगर अपनी तरह नहीं मानते हम किस तरह मानते बेमिसाल बशर मानते हैं सबसे बुलंद बाला बशर मानते हैं उनकी बशरियत का भी आलम यह है कि उनकी बशरियत का यह आलम है कि आप अपना लवाब निकाल दें यानी अपना थूके मुबारक दे दें तो अंधेओं की आंखें भी ना हो जाए आप बशर हैं मगर कैसे बशर हैं कि सफर फरमाए तो मेराज का सफर पल भर में करके आ जाए आप बशर हैं मगर कैसे बशर हैं कि हजरत कतादा की आंख जब जंग में निकल जाए अपना लवाब आंख में लगा कर आँख में लगा दे तो गई भी आंख वापस आ जाए आप बशर तो ज़रूर हैं मगर कैसे बशर हैं कि अगर जब किसी साहबी का हाथ तन से जुदा हो जाए अपना लवाब लगा के हाथ जोड़ दे तो पहले से भी ज़्यादा मजबूत और सालिम हो जाए जब आपके थूक का हम बराबर बराबरी नहीं कर सकता आज का इंसान तो मुस्तफ़ा की जात का कैसे बराबरी कर सकता है लेकिन उन्होंने कुरान की दलील को कहा कि देखो कुरान में तो आया है ना मा अना बशरुम मिसलकुम लेकिन समझे नहीं कि मिसलकुम में ही तो सारा राज है अल्लाह ने यह नहीं फरमाया महजूब कह दो मैं एक बशर हूं बल्कि कहा मिसलु तुम्हारी तरह कि तुम्हारी तरह में ही तो रात छुपा हुआ इस पर अगर गौर कर ले तो जानते हैं कि मुस्तफा की बशीर, बशरियत और है हमारी बशरियत और है अब मैं इसको मिसाल ये दूं कि मैं आपसे कहूं फुला साहब फुला साहब की तरह दिखते हैं इसका ये मतलब नहीं है कि ये और वो दोनों एक एक है जाहिरन दिखते हैं लेकिन इनकी हकीकत कुछ और है अगर मैं कहूं कि भाई फुला साहब की मैंने मुलाकात की उनको देखा तो फला साहब का चेहरा हजरत से मिलता है हजरत की तरह दिखते हैं हजरत की तरह है तो हजरत तो नहीं है हजरत की तरह है तरह होना और होता है खुद हजरत होना और होता है मुस्तफ़ा इंसान की तरह इंसान नहीं है हकीकत क्या है कद जा है नूर तहकीक अल्लाह की तरफ से तो तुम्हारी तरफ एक नूर आया हकीकत तो नूर है मुस्तफ़ा की लेकिन इबलीस ने ये बुनियाद रखी कि नबी के मटेरियल के तकाबुल की, की, की बुनियाद पर अपने आप को उसने नबी से दी कहा आदम मिट्टी से पैदा हुए मुझसे कैसे अफजल हो सकते हैं नहीं सजदा किया तो इसके में क्या था गुरूर तकबर था आजीजी नहीं थी फरिश्तों के में आजीजी थी इनके सारी थी झुक गए खासारी और आजिजी का इजहार किया मगर इबलीस के घमंड था तो कुरान खुद उसको बयान करता अबा वस्तक बरा वकाना मिनल काफिरी। गुरूर किया घमंड किया और हो गया काफिरों में से तो पता चला कि जब इल्म पर इल्म पर ही अगर आदमी को जब गुरूर और घमंड हो जाता है तो यह इल्म इतना नुकसानदेह बन जाता है कि बाज़ औकात कुफर की तरफ ले जाता है और जब इल्म के साथ आजिशी और इनके सारी होती है वही इलम हिदायत का सबब बन जाता है और उसी इल्म जब, तो जब आजीजी होती है तो कोई वक्का इमाम आजम अबू हनीफा बनता हुआ नजर आता है उसी जब आजीजी होती है तो कोई वक्का गौसे आज़म बनता हुआ नज़र आता है उसी इल्म में जब आजीजी होती है कोई ख्वाजा ग़रीब नवाज़ बनता हुआ नजर आता है कोई मखदुम सिमना बनता हुआ नजर आता है कोई इमाम अहमद आजम मोहदी से बरेल भी बनता हुआ नजर आता है आप तारीख का जायजा ले लिए आज तक जितने भी फिरके बने उसके पस मंजर में अगर आप जाएंगे तो इल्म का घमंड नजर आएगा गलती हो गई रुझू नहीं किया गलती हो गई निशानदेही की गई कि आपसे गलती हो गई तोबा नहीं किया और आज तक जितने भी फिरके बने मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ दलाइल की रोशनी में अर्ज करता चलूं कि एक भी फिरका आप ऐसा नहीं दिखा सकते जिस को किसी जाहिल ने बनाया हो हर फिरके का बानी कोई ना कोई आलिम रहा हो किसी भी फिरके की आप तारीख उठा के देख ले उसका फाउंडर उसका बनाने वाला उसकी बुनियाद रखने वाला उस फिरके को वजूद देने वाला इल्म वाला रहा उसका दावा रहा कि मैं अहले इल्म से हूँ मगर इल्म में आजीजी नहीं थी नुकसानदेह इल्म हो गया इल्म मुजिर हो गया और नतीजा ये हुआ कि उस इल्म में ऐसे अक़ायद और ऐसी बातें फिर दाखिल हो गई कि जिसने उस शख़्स को इस्लाम से हटाया कुफर के दलदल में ले गया और फिर जिन लोगों ने उसकी पैरवी की जिन लोगों ने उसकी इतबा की पैरवी की वो भी उसके साथ गुमराह हो गए तारीख़ इस्लाम में मैं आपको बताता चलूं कि सबसे पहला जो फिरका पैदा हुआ था वो था शिया फ़िरका अहले तशै जिसको कहते हैं दरमियान में एक वक्त यह गुजरा इब्तिदा में बड़े ज़ोर शोर के साथ वजूद में आया मगर फिर हमारे इमामों की मेहनत का समरा और नतीजा ये हुआ कि ये फिरका गोया एक गुमनामी के और पोशीदगी के जो है तयखानों में छुप गया मगर कुछ अरसे से अभी हम देख रहे हैं कि यह फिर का फिर दोबारा उरूज पकड़ रहा है सबब क्या है दावे बड़े अच्छे हैं खुशनुमा दावे लेकिन इल्म जो है वो इल्म इल्म मुजीर नाफे नहीं है हर फिरके के गुमराह होने के पीछे आप देखोगे इल्म इलमर नजर आएगा इसलिए अल्लाह के नबी ने इस पर बड़ा जोर दिया और कहा कि अल्लाह मैं तुझसे इल्म चाहता हूं मगर कौन सा इल्म नफा बख्श बख्शा अल्लाह मनी असलों का नफा बख्श इल्म का मैं तुझसे मुतालबा करता हूँ वह गुमराह ना करे हिदायत पर रखे और दूसरों के लिए हिदायत का सबब बने शे फिर का क्या हुआ क्या इस जमात में आलिम नहीं है बड़े बड़े आलिम है पहले भी गुजरे अभी भी बीच उससे पहले भी थे अभी भी है और आइंदा भी इस फरक़े में आलिम होंगे ऐसा नहीं कि इल्म इस फरके से उठ जाएंगे मगर आलिम तो है इलम तो है लेकिन म नाफे नहीं है इलमीर है आज हमारा नौजवान इसकी तरफ बड़ा मुतासिर हो रहा है क्योंकि इस फरके का एक बड़ा खुशनुमा नारा है और वो है मोहब्बत अहले बैत अब अहले बैत से मोहब्बत को किसको इनकार है आप पे से किसी को इनकार है बोलिए क्या आप इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं या नहीं करते है? इमाम हसन से करते हैं अली से करते हैं सैदा फातिमा खातून जन्नत से करते हैं हम नबी की हर औलाद से मोहब्बत करते हैं ये तो हमारे ही माम ने कहा तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का तू है आईने नूर तेरा सारा घराना नूर का ये तो हमारे ही माम ने कहा ना किसी और ने तो नहीं कहा हम नबी के हर घर के बच्चे से तक मोहब्बत करते हैं जब हम नबी के हर बच्चे को आयने नूर मानते हैं और मुस्तफ़ा को आयने नूर मानते हैं तो फिर इमाम हुसैन का क्या कहना इमाम हसन का क्या कहना अरे इनकी मोहब्बत तो हम पे फर्ज आयन है क्योंकि ये मोहब्बत किसी मौलाना ने हमको नहीं कहा कि इनसे मोहब्बत करना फर्ज है परवरदिगार आलम ने कहा फरमाता महबूब फरमा दीजिए कि जो मैंने तबलीग की तुम्हें अल्लाह की मार्फत की इसके एवज में तुमसे कोई अजर नहीं चाहता सिवाय इसके कि मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो ये तो कुरान अजीम का हुक्म है लेकिन क्या मोहब्बत अहले बैत के इजहार के लिए आपको शिया बनना पड़ेगा तब आप अहले बैत से मोहब्बत कहलाने कर करने वाले कहलाएंगे क्या राहदी ख्याल आपको अख्तियार करने पड़ेंगे खुदा की कसम अगर उस तरफ जाओगे तो वहां इल में मुजिर है आप नुकसान उठाने वालों में हो जाओगे आप धोखा खाने वालों में हो जाएंगे क्यों उस फिरके में एक बात है मोहब्बत अहले बैत का दावा तो है बढ़ चढ़ कर है इजहार भी खूब करते हैं हमसे ज्यादा करते हैं बाजों का इस कदर इजहार अहले बैत करते मोहब्बत अहले बैत का इजहार हमें अपनी मोहब्बत उनके सामने बजहिर बजाहिर हकीकत तो है कि हकीकी मोहब्बत करने वाले हम ही है मगर हमारी मोहब्बत में अतदाल है मुबालगा नहीं है। हम तजावुज नहीं करते मौला अली ने खुद फरमाया था कि अल्लाह के रसूल ने मुझे कहा और यह हदीस हर मकतब फिक्र की किताबों में आपको मिल जाएगी इमाम अहमद ने मुस्त में इस हदीस को नकल किया है और भी दिगर अईमान ने इस अदीज़ को नक़ल किया हत्या कि के शय के यहाँ ख़ुद ही अदीज़ मौजूद है और उनके आए बलागा जो हज़रत अली की तरह वनसूख करते हैं कि उनकी किताबें उसमें ख़ुद ये नहजुल बलागा में अदीज़ मौजूद है आकर सल् ने फरमाया कि अली दो ग्रहो तेरी वजह से हलाक होंगे एक ग्रोह तेरे सबब से हक़ पर रहेंगे और हिदायत पाएंगा मौला ली ने अर्स के यारसोल्ला कौन से दो ग्रोह है जो मेरे सबब से हलाक हो जाएंगे फरमाया एक तुझसे इतनी मोहब्बत करेगा इतनी मोहब्बत करेगा कि तुझे तेरे मकाम और मरतबे से बढ़ा देगा जो बोले याद रख के बस यही तकरीर का पस मंजर है तेरी मोहब्बत में इतना आगे बढ़ जाएगा कि तेरे दर्जे और मकाम से तुझे बढ़ा देगा ये ग्रोह भी ये गिरोह भी जो है हलाक हो जाएगा तबाह हो जाएगा दूसरा वो होगा जो तेरी इतनी तोहिन करेगा इतनी तोहिन करेगा कि तुझे नउजबिल्ला मजिक ईमान से भी हटाकर कुफर की तरफ मनसूख कर देगा तुझे काफिर गर्दानेगा काफिर कहेगा तीसरा गिरोह वो होगा कि जो हक पर होगा ना तेरी मोहब्बत में मुबालगा करेगा ना तेरी तोहिन करेगा जो हक तेरी मोहब्बत का है उस हक पर वो कायम रहेगा आज जायज़ा लीजिए यह हदीस सब क्या मुतफ़ा हदीस है सब के नज़दीक इतफाक़ी हदीस है किसी का किस इस हदीस पर इतलाफ़ नहीं हमारे अहले सुन्नत में भी हदीस किताबों में मौजूद है और अहले तशैयो की जो सबसे बुलंदर किताब उनके ना दिख जो मानते बाद कुरान नहजुल बलागा जिसको कदबात अली की किताब कहते हैं वो उसमें भी हदीस मौजूद है और ये किताब ओरिजिनल मेरे पास मौजूद है इस हदीस ने तो वाज कर दिया कि दो गिरोह जो है हलाक है और एक गिरोह हक पर है मुझे बताइए ये कौन से दो गिरोह है एक वो कि जिसने बढ़ाया वो शिया हुए इतना बढ़ाया इतना बढ़ाया कि जो मकाम था तो उससे भी ऊपर कर दिया और दूसरा गिरोह जो हलाक हुआ वो खारजी था खारजी फिर वो था जितने इतना घटाया इतना घटाया कि नौजबिल्ला अली को काफिर कह दिया एतदाल वाला गुरो अलहमद ला अहल सुन्नत व जमात है वो हम अहल सुन्नत है जो ना बढ़ाते हैं ना घटाते है। वरना बढ़ाने वालों ने कितना बढ़ाया मैं कुछ झलकियां आपको इस फरक़े की दिखाना चाहता हूं आप देखते चलें ताकि मेरी बात का सबूत आपके आंखों के सामने पेश आ जाए आइए जरा ये मौलवी साहब को सुन लें ये उसी फरक़े के हैं शिया फिर से हैं नाम है आकिब रजा जैदी पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं जरा सुनिए क्या कहते हैं वो जो मक्का में पादरी बना बैठा था और हर एक को असाइछा बनाता था कि गुना बच्चा कब पैदा होगा वो किन खصوصیات का मालिक होगा वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा अबू तालिब कहते मेरे दिल में ख्याल आया पहली बार पहली बार के बात कह रहा हूं अबू तालिब कहते मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं जाऊं और उसे जाकर पूछूं कि बता तेरा रजब को तो फजर के वक्त इस वक्त में आने वाला बच्चा किन सिफात का मालिक होगा ये सोच कर दीदी खान वालों सोच में न पड़ना चलो रजब और मक्का चलते हैं अब तालिब पादरी के पास आए ऐ तालिब में पादरी खड़ा हुआ क्यों आए अब तालिब कहते जरा एक जायचा बना क्या जरा देख तो सही तेरा रजब फजर के वक्त इतने बजकर इतने मिनट पर एक बच्चा पैदा हुआ है बता वो किन सिफात का मालिक होगा एक बच्चा आया

आपके कुछ समझ में आई बात तेरा रजब वो तारीख है जिस दिन मौला कायनात हजरत मौला अली दुनिया में तश्रीफ लाए हम मौला उस मायने में नहीं कहते कि जो अल्लाह को भी मौला कहा गया कुरान में मौला हम अपने आका के मायने में कहते हैं मददगार के मायने में कहते हैं क्योंकि हमारे रसूल ने फरमाया मन खुन तो मौला फा हाजा अली युन मौला जिसका मैं मौला अली भी उसका मौला हम इस हदीस के तस्लीम करते हैं इसको कबूल करते हैं और इस हदीस के तहत हम मौला अली को मौला मानते हैं मगर ये नहीं मानते जो इन्होंने मुबालका किया उन्होंने कहा अली तुझे इतना बढ़ाएंगे इतना बढ़ाएंगे तेरे मकाम से बुलंद कर देंगे और ये गिरोह हलाक हो जाएगा ये शिया गिरोह है क्या कह रहे हैं तेरा रजब को अली पैदा हुए अबू तालिब जो अली के वालिद है, हजरत अली की पैदाइश के बाद अबू तालिब अपने एक राहिब दोस्त के पास गया राहिब कहते हैं जो यहूदियों का पादरी होता है या यहूदियों कालिम होता है उससे कहा भाई तेरा रजब ये ये वक्त पर एक बच्चा पैदा हुआ जरा जायचा बना उसकी किस्मत का हाल बता फ्यूचर बता उसका मुस्कबिल बता इस घड़ी में पैदा होने वाले बच्चे का मस्तबिल होंगा ये बच्चा आगे जाके कैसा रहेंगे क्या बनेगा बहरहाल वो आसमानी किताबों कालम था बकौलिन के वो राहिब था उसने जायचा लिया खाने बनाए उसमें भरे फिर फोल्ड किया कागज़ को फेंका दूसरा कागज़ लिया फिर लिखा फिर तीसरा कागज़ के लातादार उसने जायचे बनाए और वो फेंकता रहा तो अबू तालिब देखते रहे आखिर में जब अबू से रहा नहीं गया तो कहा कि क्या बात है बताता क्यों नहीं ये कागज फोल्ड फोल्ड कर करके बार बार मोड़ मोड़ के फेंक रहा है आखिर बताता क्यों नहीं कहा कि अबू तालिब जो घड़ी तू बता रहा है जो तारीख तू बता रहा है जो साथ तू बता रहा है इस साथ में तो खुदा पैदा हो सकता है अल्लाह पैदा हो सकता है बच्चा पैदा नहीं हो सकता यानी ये पैदा होने वाला नउस बिल्ला इंसान नहीं है ये खुदा थे जो अली थे ये खुदा की शक्ल सूरत में जमीन पर आ गए और ये फिरका कौन सा था ये शिया में से एक शाख निकली थी जिसको नुसहरी नाम दिया गया था, था। तारीख में इसका जिक्र मौजूद है यह फिरका आज तक चला आ रहा है और मोहब्बत अहल का दावा करता है सबा एक शख्स गुजरा है यमन का उसने ये लोगों के जहन में यह बात डाली थी उस्मान गनी के जमाने में जहरी तौर पर ही मन लाया अंदर से पक्का मुनाफिक था मुसलमानों में फूट डालने के लिए उसने मिशन चलाया बाद में जब उसको कत्ल किया गया तो उसी की तालीम को आगे बढ़ाने वाला एक नुसैर था अब नुसैर उसका नाम था उसने इस मिशन को इतना बढ़ाया कि अली ही खुदा है और अली दर हकीकत जमीन पर इंसान बनकर अपनी किबरियाई पर अपनी उलूयत पर अपनी पर, पर पर्दा डालकर इंसानी शक्ल सूरत में उतरा है हकीकत तो अली ही खुदा है माशाल्लाह और उसने हज़रत अली की करामात को इस ढंग से पेश किया उनकी ख़ूबियों को इस ढंग से पेश किया कि उस जमाने में ऐसे बेवकूफ़ और जाहिल जो लोग थे वो उसकी तरफ उसके गुरविदा हो गए उसकी बातों को तस्लीम किया और अली को खुदा कहना शुरू कर दिया छोटी मोटी तादाद नहीं थी इसलिए मैं कभी हैरान नहीं होता कि भाई इतने पढ़े लिखे साहब थे अहले हदीस हो गए इतने पढ़े लिखे साहब थे देवबंदी हो गए अरे इनकी क्या औकात है उस जमाने में हज़ारों में लोग गुमराह हुए हैं हिदायत अल्लाह की जिम्मे करम पर है जिसको चाहता है हिदायत पर रखता है जिसको चाहता है गुमराह फरमाता है हमें हमेशा अल्लाह की बारगाह में दुआ करना चाहिए मौला हिदायत पर रख कितनी तादाद थी उनकी हजारों की तादाद में जब मौला अली को पता चला कोफा है आप देखा कि कोफा में बड़ी तादाद ऐसे लोगों की हो गई है कोफा आपने राजधानी बनाया खिलाफत के दौर में अपने मदीने से मुंतकिल करके आप कोफा आ गए कोफा को राजधानी बनाया सबको गिरफ्तार कर करके पकड़ पकड़ के लाया गया कि उन हर शख्स को गिरफ्तार किया जाए जो मुझे खुदा कहता है अल्लाह कहता है तकरीबन चौदह हजार की तादाद थी इन लोगों की कितनी उस जमाने की बात हो रही है जब आबादी इतनी नहीं थी आज भी अगर चौदह हजार लोग ये कहने आपके सामने आ जाए कि भाई अली खुदा है तो आप हैरान होंगे कि नहीं होंगे उस जमाने की आबादी के एतबार से अगर आप पर्सन निकाले तो और ज्यादा हैरानी की बात होती है चौदह हजार लोगों को जब गिरफ़्तार करके लाया हज़रत अली ने उनको समझाया उनको मनवाने की कोशिश की कि तौबा कर लो तायब हो जाओ वो नहीं माने अड़ गए कहा कि नहीं अली आप खुदा है हम खुदा मानते हैं आपको जब नहीं माना तो आपने फरमाया जानते हो अगर कोई किसी को खुदा कहे कोई किसी को झूठा रसूल पैदा हो और उसको रसूल कहा जाए उसकी सज़ा क्या है इस्लाम में वाजिबुल कत्ल है तो मैं इबरतनाक सजा दूंगा कत्ल करूंगा बाज आ जाओ उन्होंने कहा लिया आप हमारे मालिक है आप हमारे खुदा है जो चाहे कीजिए हम आपकी रजा में राजी है मासेल सात हजार इन नुशैरियों उस रखे को नुशैरी कहा गया था उसकी नस्बत से नुशहरी कहलाए सात हजार नुशैरियों को हजरत अली ने एक रात में जिंदा जलवा दिया क्या किया तारीख में ना हो तो जो चोर की सजा वो मेरी सजा चाहे आप अहले तशैयो की किताब की तारीख पढ़ ले, अहले सुन्नत की पढ़ ले, किसी की भी तारीख पढ़ ले, उस ज़माने में दौरे खिलाफत अली की तारीख उठा के देख लीजिए वाकयात आपको मिलेंगे इससे यह भी पता चला कि जब कोई अपना अकीदा बदल देता है तो उसके साथ सख्ती करना तशद्दुद करना उसके साथ सख्ती का बर्ताव करना यह हमारे साहब कराम मौला अली की सुन्नत है आज जो लोग कहते हैं ना किसी को कुछ ना कहो तुम्हारे ईमान की खैर मनाइए साहब कितना कमजोर ईमान है कि तुम कहने में डर रहे हो जमाने में होते तो पता नहीं क्या हाल होता तुम्हारा तुम मुसलमान भी ठीक से होते क्या नहीं होते अल्लाह जाने आज तुम कहते हो कि भाई किसी का अकीदा कैसा भी हो हमें क्या करना है अल्लाह साहब देखेंगे मौला अली ने यह नहीं कहा जाओ भाई तुम्हारा जो अकीदा अल्लाह साहब देखेंगे नहीं मौला अली ने सात हजार को जिंदा जला दिया एक ही रात में पूरी रात ये ज़िंदा जलाने का काम चलता रहा सुबह हो गई फजर का वक्त हो गया आपने कहा कि जो बाकी आधे बचे हैं इनको कल जलाऊंगा दूसरी रात हुई फिर उनको जमा करके एक मैदान में लाया गया आपने फरमाया देखो तुम्हारे आधे साथियों को मैं ज़िंदा जला चुका हूँ अब तुम्हारा नंबर है मगर एक मौका देता हूँ हो सकता है कि ये एक दिन की मोहलत अल्लाह ने इस हमत से दी हो कि शायद तुम तोबा कर लो तो अबा कर लो अपने अख़ीरे से अब भी वह वक्त है कि तायब हो जाओ तो वो बदबक़ अपने बातिल लकीरे पर कितने मजबूत थे उन्होंने कहा अली आप हमें ज़िंदा जला दीजिए हम मरते मरते यही कहेंगे कि आप ही खुदा है और कहा आपने जो कल आधे लोगों को जलाया हमारे आधे साथियों को इससे तो हमारा अकीदा और मजबूत हो गया इसलिए कुरान अजीब में अल्लाह फरमाता है कि वहीं तुम्हें जहन्नम का अजाब दूंगा और जहन्नम का अजाब क्या है वो आग का है आग का अजाब देना ये अल्लाह का काम है आप वही काम कर रहे हैं कि हमें आग में जला रहे इससे तो हमारा यकीन बढ़ गया कि आप ही खुदा माजल ये था इल्म मुजीर ये था नुकसानदेह इल्म जिसने ऐसे दलाइल उनके दिमाग में भर दिए कि बातिल थे और वो अली से मुनाजरा कर रहे और अली को मानने के लिए तैयार नहीं उनको भी जला दिया मौला अली ने मगर कुछ बच गए थे सब तो नहीं जल पाए कुछ उन्हें उस वक्त अपने अकीदे को छुपा लिया कुछ हाथ नहीं आए थे बची खुरचन बढ़ते और बढ़ते आज इस शक्ल में आपके सामने है। ये जो आप जमात में अब खुलेआम पे बैठकर मजमे में कह रहा है बजाय रजब को पैदा होने वाला अली नहीं था बल्कि खुदा था अब एक दूसरे साहब को सुन लीजिए नाम भी बड़े अजीब होते हैं शक्लें भी बड़ी अजीब होती है हाँ नाम है इनका जटो करके इलाका है पाकिस्तान का वहां के रहने वाले जाफर नाम है जटोई नाम है अच्छा इनके अजीब मौलवी और मुकरिरी होते टोपी नहीं लगाते कपड़े अजीब वरीब पहनते हैं शक्लो सूरत से लगते ही नहीं कि ये कोई इनके आलिम है अब जरा ये क्या कहते जरा सुनिए इनको तो 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 देखिए अकीदा बातिल बयान कर रहा है मैंने रोका यहाँ अकीदा बातिल बयान कर रहा है मगर अपने अकीदे पर कायम कितना है चैलेंज कर रहा है कहता है ये चाबी भी दूंगा गाड़ी की कार होगी उसके पास गाड़ी भी दूंगा इनाम भी दूंगा ये चाबी भी दूंगा गाड़ी भी दूंगा कोई बंदा खड़े होकर बता दे अब क्या उसका चैलेंज सुनिए और उस चैलेंज के जरिए क्या बताना चाह रहा है अभी

सलमान क्या पूछता है सलमान का सलमान का

ये इस बात पर ये गाड़ी और जायदाद इस बात पर देने का ऐलान करवाया है कि सलमान फारसी ने अली से कभी ये नहीं सवाल किया कि मौला अली आप उनके दरबार में जाते क्यों जिन्होंने आपकी खिलाफत आपका हक तक छीन लिया क्योंकि का श्यवकीदा क्या है कि पहले खलीफा कौन होने चाहिए थे हजरत अली अबू बकर ने खिलाफत छीन ली जिन्होंने आपकी बीवी का बाग खा गया बाग़ फदक कहते हैं कि एक बाग था जो रसूल ने अपनी बेटी हजरत फातमा को दे दिया था वो भी हजरत अबू बकर ने गजब कर दिया माज़ल्लाफर तो हजरत सलमान ने कभी पूछा ही नहीं कि आप उनके साथ बैठते क्यों हुए हैं जिन्होंने बाग खा गए जिन्होंने आपकी खिलाफत का हक़ छीन लिया जो रसूल के जनाजों में नहीं आए ये सलमान फारसी का स्टैंडर्ड ही नहीं है ये स्टेटस ही नहीं है सलमान ने ये छोटे मोटे सवाल लिए कि भाई ये हाई लेवल का सवाल किया माज अल्लाह अल्लाह की लाना तो झूठे पर इस तरह की कोई रिवायत है ही नहीं ये इनके ही फिरकों में ऐसी बात है नउजिला सलमान फारसी जैसा छलिल कदर साहब है ऐसा बेहूदा सवाल कर ही नहीं सकता बरी है, है सलमान फारसी की जान और जो कुछ मौला अली की तरफ मनसूख किया कि अली ने यह जवाब दिया इससे भी अली बरी है अल्लाह की लानत तो झूठों पर सलमान फारसी ने क्या सवाल किया है कि मौला ये बताइए अली ये बताइए कि आप कब से अली ने कहा जब से वो जब से है जब से अल्लाह है जबकि ये बुनियादी तोहिदी अकीदा है कि अल्लाह की ही ज़ात अजाली और आबादी है वो हमेशा से था हमेशा है हमेशा रहेगा यहाँ तक कि के के हम अजाली और आबादी तो रसोल्ला को भी नहीं मानते तो अली तो बहुत बाद में है फिर अंबिया को नहीं मानते हम अंबिया भी हमेशा से थे नहीं बाद में अल्लाह ने वजूद दिया एक अकीदा और है हमारा खुदा के तल्लुक से जो अखीर तोहिद के अंदर शामिल है और अकायद की किताबों में है कि अल्लाह के अलावा हर शय हर चीज हर मखलूक हादिस है अल्लाह की ज़ाद गैर हादिस है हादिस किसे कहते हैं हादिस यानी पहले थी नहीं वजूद हुआ फना हो जाएगी आप और हम पहले थे बोलो अब है कल फना हो जाएंगे मगर जब हम नहीं थे तब भी खुदा था जब हम नहीं होंगे तब भी खुदा होगा यह गैर हादिस ना वो किसी से पैदा हुआ ना किसी से जना ना उसको मौत है वो हई है, है और कयू में खुद जिंदा और दूसरों को जिंदगी अता फरमाने वाला मगर उसके अलावा सब फानी है कुल्लो मन अलिया फान हर शय को फना फनाए सिवाए उसके तो ये ये बुनियादी अकीदा है लेकिन इस अकीदे के खिलाफ ये फरका है मोहब्बत अहले वैत का दावा और दावे में देखिए कितना मुबालगा कितना मुबालगा अली से अली से पूछा सलमान फारसी ने कि मौला आप कब से है तो नउज़ बिल्ला कहता है कि अली ने जवाब ये दिया कि जब से वो है तो दूसरा सवाल किया जाता है सलमान फारसी ने कहा कि जब वो भी था आप भी थे जगह तो थी नहीं कोई स्पेस नहीं था कोई जमीन नहीं थी चांद सूरज स्यारे सितारे कुछ भी नहीं था जब जगह नहीं थी तो वो कहा रहता था और आप कहाँ रहते थे तो माज अल्लाह ये झूठा कस्ाब कहता है कि अली ने जवाब में कहा कि वो हम में रहता था हम उसमें रहते थे वो हम में रहकर हमें ढूंढता रह था हम उसमें रहकर उसको ढूंढते थे बस यू ही गुजर रही थी आप बताइए ये अकीदे क्या वाकई इस्लाम के अकीदे ये तो हिंदू गैर मुस्लिम मशरकों से भी बदतरीन अकीदे है कम से कम वो भी इस तरह के अकीदे नहीं रखते अपने भगवानों के बारे में इस तरह की माजल्ला ये तो उससे भी बदतर अकीदा है और फिर बात यहीं पर ही रुकी एक मंजर पेश किया है लेकिन इससे पहले कि मैं इंसाब को दिखाऊं पहले आपको थोड़ा सा मैं हकीकी अहले सुन्नत का अकीदा इस ताल्लुक से बयान कर देता हूं तब आपको क्लिप अच्छे से समझ में आएगी नकवी है यह भी इसी जमात के मौलवी है हमारा खीरा क्या है मैंने अर्ज़ किया कि अल्लाह हमेशा से था हमेशा है हमेशा रहेगा, एक वक्त यह आएगा कि अल्लाह जब कयामत बरपा करेगा सबको फना फरमा देगा सब कुछ खत्म हो ना जमीन ना आसमान ना चांद ना सूरज सैयारे, सितारे जन्ना दोजक सब फना सिर्फ रब की जात होगी वही कैफियत जैसे इन चीजों की तखलीक से पहले था कुछ भी नहीं आसमान भी नहीं शिव रब की दार। और बायर ताल्लुक से हदीसों में आया फिर रफ्तवार को तआला निदा फरमाएंगा कहेगा कहाँ है वह आ जालिम बादशाह, जुल्म करने वाले कहाँ है वो ताकतों पर इतराने वाले कहाँ है वो अपने माल पर घमंड करने वाले कहाँ है वो ऐशो इशरत पर नाजा होने वाले कोई हो तो जवाब दे कोई है ही नहीं वक्त ही नहीं होगा कुछ भी नहीं होगा जब तक चाहेंगा रफ्तवार को ताला कैफियत होंगी और जब एक कुन फरमाएंगा दोबारा सबको जिंदा कर दिया जाएगा सारी मखलूक यक लक्त एक, एक ही साथ सबकी सब, सब वजूद में आ जाएंगी और हश्र बरपा होगा और फिर हिसाब किताब होगा यह है हमारे यहाँ का अकीदा लेकिन जरा इनकादा सुनिए इसके बाद और ये वो अकीदा है जो तोहीदी अकीदे कहलाते हैं अकायद की वो है वो कि जिस पर ईमान लाना फर्ज है इसका इनकार कुर है कि सबको फना होना है ये अकीदा है फ़र्ज फ़र्ज़ है ये अकीदा इसको मानना रब बार ताला के अलावा कुछ नहीं रहेगा ये फ़र्ज़ है अल्लाह फिर ज़िंदा फुरमाएंगा हश्र का मैदान बरपा होगा आमाल तोले जाएंगे अकीदे देखे जाएंगे ईमान देखा जाएगा ईमान की बुनियाद पर जन्नत मिलेंगी बेमानी की बुनियाद पर दो में मिलेंगी ये सारे जो अकीदे हैं इस पर ईमान लाना फ़र्ज़ है इस पर अगर किसी का ईमान नहीं तो वो मुसलमान नहीं

बस और कुछ नहीं होगा हर जगह वो वो होगा वो कालम होगा सिर्फ अल्लाह रह जाएगा जब वो अकेला रह जाएगा तो मैंने कहते अकेले में उसका दिल कम फिर दिल का दिल परेशान होगा फिर वो आवाज देगा ये तारों को जोड़ने ही

से कोई शेयर को सीधा नहीं वो कह रहा है आवाज कहा से आ रही आवाज कहा से आ रही है कहा हूँ इधर से आवाज आएगी न मोहम्मद न मोहम्मद उधर से आवाज आएगी न फातिमा इधर की आवाज आएगी ना हसन इधर से आवाज आएगी ना, 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 ना हुसैन हम है ना तेरा दिल बहलाने के लिए उस वक्त जिसका चेहरा नहीं मुस्कुरा के कहेगा मैंने तो ये कहा ही नहीं कि तुम मेरा दिल बहलाओ तुम तो मैं हूं मैं कह रहा हूं तुम्हारे अलावा कोई है जो मेरा दिल बहलाए तो आवाज समझे आप जनाब सब फना हो जाएगा भूकालब होगा कुछ नहीं बचेगा तो अल्लाह का दिल घबराएगा। भाई घबराता था तब आदमी जब किसी चीज का खौफ हो और अब से ज्यादा कवि कौन जो उसको खौफ ज़्यादा कर दे ऐसी कौन सी शह है जो उसके दिल को घबर दिल में घबराहट पैदा कर दे क्या अकीदे है यार और यह बैत की मोहब्बत के दावेदार ठेकेदार बने बैठे ये फजायल गिनवा अहले बैत के ये खुदा, न, खुदा की, कसम ये की सबसे बढ़कर तो मन घड़त की तरफ मनसूब कर रहे हैं ये, है, है ये मरदू इनसे बड़े कोई गुस्ताख नहीं है जमीन पर लेकिन अफसोस की बात है कि हमारे लोगों की तवज्जह नहीं हमारे यहाँ तो एक ही राग चलता है भाई किसी को बुरा कुछ कहो मत बस सब ठीक है ये तो मौलियों के झगड़े ये मौलवी से झगड़ा लड़ रहे हैं कि खुदा से लड़ रहे हैं ये, ये मौलियों से झगड़े हैं कि ये से लड़ रहे हैं ये या रसुल्ला की बातों से लड़ रहे हैं लड़ किस से रहे मौलवी से नहीं लड़ रहे साहब ये ये तो इस्लाम से लड़ रहे हैं इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं हु का आलम होगा खुदा का दिल घबराएगा तो अल्लाह कहेगा कोई है जो इस वीराने में इस वहशत में मेरा दिल बहलाए तो एक आवाज आएगी अना आईना आईना कौन है कौन है अल्लाह को ही नहीं मालूम कौन है जबकि वह अहिल गायब है जमीन की तह में रेंगने वाले कीड़े को भी जानता है उस कीड़े के दिल के ख्याल से भी वाकिफ है, है दिखे, दिखे। उसकी बाखबरी का यह आलम है कि जो आपके दिल में चल रहा मैं नहीं जानता मेरे दिल में क्या है आप नहीं जानते लेकिन वो आपके भी दिल के ख्याल से वाकिफ़ मेरे भी दिल के ख्याल से वाकिफ बल्कि यही नहीं बीस साल बाद दस साल बाद पंद्रह साल बाद पचास साल बाद अल्लाह जाने हमारी उम्र कब तक लिखी है किस वक्त किस जगह मैं कहा बैठा होगा उस वक्त मेरे दिल में क्या ख्याल गुजर रहा होगा मैं नहीं जानता लेकिन परवर दिगार आलम वो भी जानता है इतना बाखबर परवर दिगारे आलम कोई शहर उसे छुपी हुई नहीं उसको यही नहीं मालूम आवाज कहां से आ रही है और सब फना हो जाएगा लेकिन ये फना नहीं होंगे तो गोया इनकी भी ज़ात इन्होंने क्या माना अजली और अबदी माना और ये भी अकीदा कुफ है, यानि अली फातमा मोहम्मद और हसन हुसैन ये नहीं फना होंगे इसके कहने के मुताबिक ये रहेंगे और हवाला किस बात का दिया उसने खुमानी आयतल खुमानी जो ईरान के इनके बहुत बड़े ल्लामा गुजरे हैं उनकी किताब सर उसीलाह उसका हवाले से बयान कर रहा है अपने ही फिर की किताब के हवाले से बयान कर रहा है आवाज़ आएंगी कि मैं हूँ ना अल्लाह फरमाएंगा आईना कौन कहा है कहाँ से आवाज़ आई अना अली, अना, अली, अना अली मैं हूँ ना अली अल्लाह को ये भी नहीं मालूम कि आवाज़ कहाँ से आ रही है आवाज़ देने वाला कौन है इतना बेइल्म इतना लाइल फिर एक, महम्मद, महम्मद एक तरफ से आवाज आएंगी अना मोहम्मद मैं मोहम्मद एक तरफ से आवाज आएंगी अना फातमता मैं फातमा हूँ फिर एक तरफ से आवाज आएंगी अना हसन उधर से आवाज आएंगी अना हुसैन मैं हसन हूँ मैं हुसैन अल्लाह फरमाएंगा मैंने तो इनके तुम्हारे अलावा किसी और से कहा दिल बहलाओ तुमसे थोड़ी कहा तुम तो मैं हूं और मैं तुम हूं तुम और हम कोई फर्क है एक ही है हम कितने खुदाए इनके छे खुदा छह अल्लाह के कायल है तब भी ये तोहहीद पर है तब भी ये बैत के चाहने वाले हैं तब भी मुसलमान है और हमारा नौजवान जाहिल नौजवान अहल बैत के नाम से इनकी दोस्तियां दोस्तियाँ भाई मोहब्बत बैत है यार इनके पास ये मोहब्बत एहल बैत नहीं है भाई साहब ये कुफर है ये इल्म मुजिर है इनके पास इस इनसे वाबस्ता होंगे ये तो खुद हलाक हो चुके तुम्हें भी हलाकत में डाल देंगे इसलिए नाफे अगर इस वक्त रुए जमीन पर किसी जमात को अल्लाह ने अता किया है वह हिल व जमात है इसके अलावा कोई जमात नहीं यहां से वहां तक हमारे हर इमाम को देखते जाइए सब इल नाफे से मुस्तफिस हुए हैं इसलिए औलिया हमारे यहां है इसलिए अम्मा हमारे यहाँ हैं इसलिए कुतुब हमारे यहाँ हैं अखताब हमारे यहाँ है दीन हमारे यहाँ हैं उलमा हमारे यहाँ यहाँ से वहां तक लबरेज इल्म से भरा हुआ है किसी फिरके में गौ से आज़म नहीं है गौ से आज़म हमारे यहाँ है किसी फिर में उदीन चिश्ती ख्वाजा गरीब नवाज नहीं ख्वाजा गरीब नवाज हमारे यहाँ है सब कुछ हमारे यहाँ क्यों हम गैरों की तरफ जा रहे हैं क्या मोहब्बत एहबै करने के लिए राफदियों की तरीके पे आना पड़ेगा आप अहले सुन्नत रहकर एहले सुन्नत होकर हो ही अहले बैद से मोहब्बत कर सकते हैं तो बहरहाल मैंने अर्ज किया कि जितने भी फिर बने जिनके पास इल्म इलम था नुकसानदेह इल्म था खुद गुमराह हुए दूसरों को गुमराह किया बहुत सारे फ़िरके हुए एक एक फ़िरक़े पे अगर हम बात करें मैंने कुछ शयाओ की सारी क्लिपें नहीं दिखाई सिर्फ तीन क्लिपें दिखाई समझने के लिए काफ़ी है कि अकीदा क्या है ख़ारजियो के अकीदा दिखाने के लिए एक तवील वक्त चाहिए गुफ्तगू के लिए एक वक्त दरकार है कदरिया फ़िरका एक गुजरा है जिसका अकीदा ये था कि तकदीर नाम की कोई शय है ही नहीं तकदीर के मुनकिर हो गए इनको भी ने हमारे काफिर का जबरिया फिरका एक गुजरा जिन्होंने कहा कि इंसान तकदीर से बंधा हुआ है मुर्जैया फिर गुजरा जिनका कैदा था कि बस ईमान लालू एक बार कलमा पढ़ लो फिर चाहे जो अमल करो कोई अमल नुकसान नहीं दे सकता सब जन्नत में जाएंगे मुजस्मिया फिर गुजरा जिसने अल्लाह के जिस्म को और वजूद को ऐसा माना कि अल्लाह जिस्म रखता है मटेरियल है बॉडी है उसकी और इन सब के बाद अब हमारे ज़माने में जो एक फ़िरका आया जिससे हमारा ज़्यादा वास्ता पड़ता है वह हबिया फ़िरका अब इनमें दो क्लास आते हैं दो मकतबिक्र आते हैं एक है अहल हदीस एक है देवबंदी इनके क्या भी रहा मदरसे इनके क्या भी है इदारे इनके क्या भी हैं किताबें इनके क्या भी हैं तालीम और पढ़ाना और पढ़ने और सीखने का माहौल इनके क्या भी है मगर मसला यह है कि इनमें भी नाफ़े नहीं है। जिसका नतीजा क्या होता है आइए मैं एक चीज दिखाता हूँ जैसे देवबंदी फ़रके की अगर हम बात के करें, जो सबसे बड़े आलिम माने जाते हैं वह है मौलवी कासिम नाना तवी तो जिनके बारे में कहा जाता है कि देवबंद का इदारा जो है इन्होंने ही बनाया था लेकिन आइए इख्तलाफ इनसे कहा से शुरू हुआ इस फिर से देवबंदी एक अलग कैटेगरी है एक अलग फ़िरका एक अलग जमात है हम अलग है हमारा इनसे क्या अख्तलाफ है बुनियादी तो उसके लिए मैं एक अब्त में बताता हूँ कि इनके हालात ज़िंदगी पर एक किताब लिखी गई जिसका नाम है सवान कासमी ये आपके सामने स्क्रीन पर है दिख रही है जिल नंबर इसकी एक है सफ़ा एक सौ इकतीस है मौलाना कासिम नाना तवी जिनको दारालूम देवबंद मदरसा यूपी का मदरसा है सहारनपुर में उस फिर उस मदरसे का इनको बानी कहा जाता है तो सफर नंबर एक सौ इकतीस पर इनकी जिंदगी के हालात बयान करते हुए एक बचपने का वाक्य इनका लिखा जा रहा है जरा ये देखिए क्या लिखा जाता है लिखते हैं कि मौलवी साहब यानी हजरत नाना तवी ने अयाम तिफली में यह ख्वाब देखा था कि गोया मैं अल्लाह जल्ले शानों की गोद में बैठा हुआ हूं गोया इस अकीदे के जरिए यह बताना चाह रहे हैं कि ये अल्लाह को जिसम वाला मानते हैं अल्लाह का जिस्म मानते फिजिकल बॉडी तस्लीम करते हैं और उसके बाद ये कहते हैं कि अल्लाह की गोद में बैठे हुए इन्होंने ख्वाब में देखा हालांकि सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह हुदूदों से लिमिटों से पाक है जिस्म से पाक है जिस्मानिया से पाक है तो फिर उसकी गोद कैसे हो सकती है गोद तभी हो सकती है कि जब उसको मुजस्सम माना जाए जिस्म वाला माना जाए और जब ये अकीदा है कि वो जिसम से ही पाक है तो फिर उसकी गोद कहां से और फिर ये गोद में जाके बैठे हुए थे ये साहब इतने चाहिए थे अब ये एक पहला ख्वाब देखा उन्होंने तो इनको थोड़ा सा एहसास हुआ बचपन में कि मैं अल्लाह की बार का मैं बड़ा मकबूल हूं बहुत पसंदीदा हूं फिर उसके बाद ये हुआ कि जब ये बड़े हुए तो हाजी इमदादुल्ला साहब उस वक्त एक सूफी बुजुर्ग थे उनसे मुरीद हुए जाके तो हाजी इमदा अब्दुल्ला साहब ने इनको एक वजीफ़ा दिया कि ये वजीफ़ा किया करो इससे बड़ी बरक़तें मिलेंगी बड़े फ़ज़ाइल होंगे बड़ी तरक्की होंगी तो वजीफ़ा पढ़ते तो इनकी कैफ़ियत हुई बड़ा लंबा चौड़ा वो मज़बून है मैं ज़बानी सुना देता हूँ और स्कैन पेज आपको दिखा देता हूँ जिसको देखना हो असल किताब बाद में देख सकता है सफ़र नंबर दो से लेकर दो तक एक पूरा लम्बा चौड़ा वाक्य लिखा गया है वाक लिखा गया है कि वो जब तस्वीर पढ़ते थे तो उनको बहुत अपने जिस्म पर बोझ महसूस होता था वजन महसूस होता था तो हाजी इमदादुल्ल साहब अपने पीर साहब के पास गए और शिकायत की और कहा कि हज़रत जब भी मैं तस्वीर पढ़ता हूँ जो आपने तस्वीर बताई है तो वो तस्वीर की वजह से मुझ पर ऐसा महसूस होता है कि जैसे मनो टनो बोझ मुझ पर लाद दिया गया हो बड़ा वजन महसूस होता है जैसे उस वजन के नीचे मैं दबा जा रहा हूँ तो पीर साहब मुस्कुरा कहा कि मुबारक हो ये वही बोझ है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के नजूल के वक्त महसूस होता था अल्लाह ताला भी तुमसे वो काम करीब जो नबियों से लिया जाता है बात समझ में आ रही है ना मेरी मैं आहिस्ता आहिस्ता कह रहा हूं ताकि कि बातें जहन में उतरे आपके मतलब इन पे खप्त सवार हो गया उस वक्त से कि आज नहीं तो कल जिबरी के कहेंगे कि आप भी नबी है लेकिन एक दुश्वारी थी और दुश्वारी ये थी कि वो जानते थे कि 1400 साल से पूरे मुसलमानों का ये मुतफ़ा इजमाई अकीदा है कि रसूलुल्लाह के बाद कोई नया नबी नहीं आएगा इसलिए कि कुरान अजीम में वाज तौर पर अल्लाह ने फरमा दिया माकाना महम्मदन अबाला की रसोल्लाबी मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं बल्कि वो अल्लाह के रसूल है और नबियों में आखिर है आखिर नबी है अब उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। आका एक मकाम पे फरमाते है कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वह मर इबन ख़ाब होता लेकिन ला नबी आबादी मेरे बाद कोई नबी नहीं जगह जगह हुजूर ने कहा कि मैं आखिरी नबी हूँ कहा कि मेरे बाद अगर मूसा आए और तुम मुझे छोड़कर मूसा की पैरवी में लग जाओ गुमराह हो जाओगे मूसा को भी मेरी पैरवी के बगैर चारा लगी अल्ला खातमन नबी मैं आखिरी नबी हूँ ईसा सलाम भी आएंगे तो किस हैसियत से आएंगे उम्मती की हैसियत से इमाम मेहदी की इब्तः नमाज पढ़ेंगे मुसल इमामत पर इमाम मेहदी को आगे कर देंगे आप मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीय के आलिम है आप नबी की शरीय के मुताबिक नमाज पढ़ाइए मैं अपनी शरीय के मुताबिक अमल नहीं करूंगा मैं उम्मती की हैसियत में हूं मुस्तफ़ा की शरीय पर अमल करूंगा तो नबी की हैसियत से नहीं आएंगे उम्मती की हैसियत से आएंगे तो अब नया नबी अच्छा फिर वो आएंगे पैदा तो नहीं होंगे आएंगे आसमानों में तो अब नया नबी तो कोई पैदा होगा ही नहीं वो थे भी तो, तो पहले के नबी पुराने नबी थे सिर्फ जमाने में दोबारा उनकी आने की तजदीद हो रही है तो साहब को ये सब चीजें मालूम थी उन्होंने कहा यार ये तो बड़ा मसला है कि कुरान में भी हुजूर आखिरी नबी का आ गया हदीसों में भी अगर मैंने कहा मैं नबी हूं तो बहुत जूते पड़ेंगे तो लोगों को जहन बनाने के लिए और खात्मन नबीन का मफूम बदलने के लिए उन्होंने एक छोटी सी किताब लिखी उस वक्त मेरे सामने पूरी ओरिजिनल है टेबल पर जिसका नाम था तहजुर नाज ये बस इस छोटी सी किताब ने बहुत बड़ा फितना बरपा किया और ये नतीजा हुआ कि देवबंदी एक अलग गिरोह हो गए हम अहल सुन्नत एक अलग हो गए ये इतनी सी किताब ने कौम ने इतना बड़ा इख्तलाफ पैदा किया इतना बड़ा फितना पैदा किया इन्होंने ना उन्होंने नास नामी किताब लिखी और इस किताब में उन्होंने खातम नबीन का एक नया मायन बयान किया और वो क्या बयान किया बड़े दुशार इबारतें हैं लेकिन मैं आसान करने की कोशिश करूंगा आपके सामने यानी दुशवार मतलब अव के अतबार से कि उर्दू थोड़ी ऐसी है कि अवाम नहीं समझ पाती है सफ़ा बावी सफ़ा तिरतालीस ऐसे कई सफ़ों पर इन्होंने मुख्तलि इबारत लिखी जिसमें मफहू यह है कि ये लिखते हैं कि रसोल ख़ातमनबीन इस मायने के अतबार से हैं अगर बिलफर्द आपके ज़माने में भी कहीं और कोई नबी हो जब भी आपका खातिम होना बदस्तूर बाकी रहता है क्यों रहता है मैं इसको आसान करके समझाता हूँ पहली बार से पढ़ लो यानी अगर बिलफर्द आपके ज़माने में या बिल आपके बाद भी कोई नई नबी फ़र्ज किया जाए तो भी ख़ात्त मोहम्मदिया में फ़र्क ना आएगा क्योंकि फ़कर अलैहि सल्लम खातम फ़कत इस माना कर नहीं कि आप सबसे पिछले ज़माने के नबी है जैसे कि अवाम का ख्याल है बल्कि जैसे आप खाति में ज़मानी है वैसे ही आप खाति में जती और खाति में रुदबी नबी थे यानी कह रहे हैं कि रसुल्ला ज़माने के अतबार से आखिरी नबी नहीं है जैसे अवाम समझती है अवाम क्या समझती है सबसे आखिर में आए ज़माने में सबसे आखिरी ज़मा इसलिए ख़ात मन नबी नहीं अवाम का ख्याल गलत है बल्कि हुजूर किस एतबार से ख़ात्म नबी नहीं कि जो रतबा है जो मकाम है उस मकाम के आप नबी हैं कि वो मकाम अब किसी नबी को नहीं मिलेंगे आप रुतबे के अतबार से अपनी ज़ात के अतबार से ख़ात्म है हुजूर के बाद अब अगर कोई नबी आए तो नबी हो सकता है लेकिन रसूल के रुतबे का नबी नहीं होगा रसूल के बराबर का नबी नहीं होगा नबी पाकल्लम के मकाम के बराबर नबी नहीं होगा यानी इन्होंने खातमन नबी का मफू ही बदल दिया उन्होंने कहा नबीन होना ज़माने के अतबार से नहीं उसको भी समझ लीजिए कि स्टेज पर हज़रत मौलाना पहले आए कि मैं आया बोलिए हज़रत पहले आया तो हज़रत क्या हुए अव्वल मैं बाद में आया तो मैं क्या हुआ आखिर अब मेरे बाद कोई नहीं आया तो मैं स्टेज पर मसनत पर आने वालों में आखिर हूँ ख़ात् ख़ातिन मतलब अब मेरे बाद कोई नहीं आया तो ज़माने के अतबार से मैं खातिम हुआ तो कासिम ना तभी तो कहते नहीं 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 फारूक रदवी साहब ख़ातिम इस मायने में थोड़ी है कि आखिर में आए फारूक साहब इतने बड़े आलिम है कि उस लेवल का कोई आलिम है नहीं फारूक साहब के बाद भी कुछ आलिम आएंगे लेकिन फ़ारूक रजी के बराबर आलिम नहीं हो तो उससे खात्मे पर कोई फ़र्क नहीं आता हालाँकि रसोल्ला ज़माने के अतबार से ही ख़ात्मन नबीन है रुतबे के एतबार से भी है ज़माने के भी अतबार से तो ये ज़हन और ये रास्ता क्यों बनाया ताकि कल अगर मैं ऐलान कर दूँ कि मैं नबी हूँ तो लोग मुझे नबी मान ले और कहे कि हाँ हाँ ख़ात्न नबीन होना इस मायने में कि है कितबे के अतबार से ख़ात्न ननबीन हैजूर के बराबर का कोई नबी नहीं आ सकता ये नबी है लेकिन हजू से छोटे दर्जे के नबी है मकाम में कम है रसोल्ला से इस मकसद के तहत उन्होंने ये तहसुर नास् वजह ये थी कि तस्वीर पढ़ते हुए इनको बोझ महसूस होता था पीर साहब ने बता दिया था कि नबियों वाला काम लिया जाएगा तुमसे तो लेकिन हुआ ये कि बोलते हैं ना कि आदमी किसी और के लिए इंतज़ाम करता है बाजी कोई और मार ले जाता है ये अभी अपने लिए तैयारी कर रहे थे माहौल साजगार कर रहे थे लोगों का जहन इस किताब के जरिए बनाने का मकसद था कि पंजाब का एक इलाका है गुरदासपुर वहां पर एक शख्स खड़ा हुआ जिसका नाम था ग़ुलाम अहमद कादियानी वो खड़ा हुआ और उसने कहा मैं नबी हूं तो सारे देवबंदियों में हलचल मच गई कहा तू कैसे नबी है कहा आप ही के मौलाना ने तो लिखा कि हुजूर के बराबर का नबी नहीं आएगा हुजूर के, के बाद भी नबी आ सकता है अगर बिलफर्ज हुजूर के बाद कोई नबी पैदा हो जाए या नबी माना जाए तो हजूर की तब भी खात्म्य फर्क नहीं आता हुजूर अपनी जगह खात्मन नबीन है पैदा हो सकता क्या है आ क्या सकता है लीजिए मैं तो आ ही गया हूँ अब मैं नबी हूँ बाजी तो कोई और ले गया था तो बड़ी बेचैनी हो गई इन साहब को के नतीजा ये हुआ कि मजबूर होकर उन्होंने गुलाम अहमद का दिया नहीं कोई अब काफिर कहना शुरू कर दिया और फिर खुद ही मुनाजरे के चैलेंज करने लगे उसको कि तू नबी है चल हमसे मुनाजरा कर साबित कर तू कैसे नबी है तो एक मुनाजरे की मैं आपको सुनाता हूँ इन्हीं की जमात के एक मौलवी साहब अभी, अभी अभी मरे है दो हजार तेवीस में मरकर कबर में गए हैं और अब तक तो मिट्टी में मिल चुके होंगे इन्हीं की बोली है भाई शक्ल देख लीजिए आप ताहिर गया साहब बिहार के थे गया करके के इलाका है बिहार का, का वहां के रहने वाले थे इसलिए उनका नाम है ताहिर गयावी तार गयावी साहब उस मुनाजरे की उदास सुना रहे कि गुलाम अहमद कादियानी से हमारी जमात के एक बहुत बड़े आलिम जो मौलाना अशरफ अली थानवी के शागिर थे गालिबन मौलवी अताउल्ला बुखारी

मेरा प्योर खालिस नाम तो सिर्फ अहमद ही है माना आपकी गलती से गुलाम बन गया इसलिए उस गलती को छोड़िए जो खालिस नाम है वो तो अहमद ही है तमामदाल्ला तो शाह बुखारी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि अच्छा अच्छा मैं तो समझ रहा था कि ऐसा हादसा मेरे ही साथ हुआ है लेकिन आपके साथ भी ऐसे ही हादसा हो गया मेरा भी नाम सिर्फ अल्लाह था ये तो मां बाप ने गलती से उसके पहले अता लगा दिया तो अता उल्ला हो गया मैं समझ रहा था कि तन मेरे ही साथ यह हादसा हुआ है लेकिन अजीब इतनी बात है कि आपके साथ ही हो गया आपका नाम अहमद था गुलाब ख़ुद बहुत बड़े अहमक उन्नासी से और कादियानी को कह रहे हैं उल्टा चोर कोतवाल को का डाँटे देखिए कैसा बेवकूफ़ाना मुनाजरा हो रहा है ये मुजीर है नफ़ा बख्श इल्म होता तो दांत खट्टे हो जाते गुलाम अहमद कादियानी की छिछोरा छिचौरा मुनाजरा हो रहा है ये बचकाना मुना हो रहा है क्योंकि इल्म है ही नहीं नाफ़ा ही नहीं है तो कहां से मुनाजरा ढंग से करेंगे अतःल्ला बुखारी ने उससे कहा तो रसूल है इसकी दलील क्या है सबसे पहले तो यही कफ रहे कि नबी होने के लिए किसी से दलील पूछी जाए मैं हवाला भी दे दो इमाम इब हजर अलहतमी अलमक्की शाह रमत नौ सौ इजरी के इमाम है उनकी किताब है अल खैरासान सफा नंबर एक सौ तीन पे फरमाते हैं कि अगर रसोल्ला के बाद कोई ऐसा शख्स आए जो नबी होने का दावा करे और कोई कहे तू नबी है दलील क्या है उसे दलील मांगे और दलील मांगने वाला काफिर रो गया क्यों काफिर रो गया हजूर के आखिरी नबी होने पर हमारा ऐसा यकीन है कि जैसे ये रात है आपको यकीन है या नहीं इससे करोड़ों दर्जे ज्यादा यह यकीन है कि हुजूर के बाद अब कोई नबी नहीं आए जिस तरह यह यकीन है कि आज सुबह गुजरी सुबह गुजर चुकी सुबह सूरज को हमने अपनी आंखों से देखा और अब ये रात है आसमान में तारे नजर आ रहे हैं हम तारों को देख रहे हैं रात में मैं और आप बैठे हैं जलसा चल रहा है मैं खिताब कर रहा हूं आप सुन रहे हैं। जैसे इस वाके पर इस बात पर आपको यकीन है कि हम होशो हवास में सब मंजर देख रहे हैं इससे करोड़ों दर्जे ज्यादा इस बात पर यकीन है कि रसुल्ला के बाद अब कोई नबी नहीं आएगा कोई अगर आ जाए और कह मैं नबी हूं वो चांद के टुकड़े भी करके दिखा दे सूरज को पलटा कर भी दिखा दे हम उसको नबी नहीं नहीं माने है। होता है अकीदा। क्योंकि हो सकता है कि वो जो चांद के टुकड़े करे हमारी आंखों को नजरबंद कर दिया जाए फरेब हो जादू हो शोबेबाजी हो शोबेबाजी हो सिफले इलम हो गंदा इलम हो सूरज को पलटा दे किसी की औकात नहीं मगर हमारी आंखें धोखा खा जाए हम हुजूर के खात्म नबीन होने पर ऐसा यकीन रखते हैं कि चांद के टुकड़े होते हुए भी, भी देखे तो हम नहीं मानेंगे यही तो यकीन है कि जब दज्जाल आएगा कहेगा मैं खुदा हूं ये जन्नत है ये दोजा कहे हम कहेंगे तू झूठा है हमारे नबी ने पहले ही बता दिया था हम तुझे तो नहीं मानेंगे खुदा मगर कैसा कमजोरी माने कि तेरी दलील क्या है नबी होने की वो कहता कुरान में मेरी दलील है उसने तो कुरान की आयत पढ़ी पारा नंबर तो इन्होंने बताया नहीं मैं बता देता हूँ अट्ठावीसवा पारा था जिसकी आयत पढ़ी थी गुलाब अहमद का दिया नहीं बकौल इनके सूरह अफ़ आयत नंबर छः उसने कहा मुबरम रसूलबाद इसमू अहमद यह आयत का ताल्लुक हजरत ईसा अलैहि सलाम से है कि ईसा अलैहि सलाम ने अपनी कौम से कहा ला हजरत ईसा का जुमला कुरान में बयान करा ईसा ने कहा ऐ मेरी कौम ऐ लोगो मैं उस रसूल की बशारत देता हूँ कि जिसका नाम अहमद होगा जो मेरे बाद तशरीफ़ लाएंगा मिमबादी मेरे बाद आएंगा और उसका नाम क्या होगा इसमहू अहमद यह अहमद कौन है बोलिए अरे बोलिए भाई मैं इसलिए बुलवा रहा हूँ कि बेदारी महसूस हो जाए मुझे क्या आप बेदारी में सुन रहे हैं ये रसूलुल्लाह है हमारे आका इसलिए कि आका की हदीस है आका कहते हैं ज़मीन पर मेरा नाम मोहम्मद है आसमान में मेरा नाम अहमद है अहमद भी हुजूरी है मोहम्मद भी हुजूरी है ईसा सलाम ने हमारे पैगंबर की बात दी गुलाम अहमद कादी ने कहा कि वो जो कुरान में है ना मेरे बाद एक नबी आएगा जिसका नाम अहमद होगा वो अहमद मही हूँ तो बुखारी साहब ने जवाब में कहा कि भाई वो तो अहमद आया है कुरान में एशमहू अहमद तेरा नाम तो गुलाम अहमद है तू तो ग़ुलाम है अहमद नहीं है खाली तू तू कैसे हो सकता है उसने कहा असल में जब मैं पैदा हुआ माँ बाप को थोड़ी पता था मैं नबी भी हूँ गलती माँ बाप से हो गई उन्होंने गलती में गुलाम लगा दिया तो बुखारी ने कहा अच्छा 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 हम समझे ये हादसा हमारे ही साथ हुआ है आज पता चला आपके भी साथ ऐसा हादसा हो गया मेरा नाम अल्लाह है माँ बाप को पता नहीं था अल्लाह है तो आता लगा दिया तो आता अल्लाह हो गया चलो आप भी सही मैं भी सही ये कैसे बात हुई भाई ये ताहिर गया भी मुनाजिर था इनकी जमात का पता नहीं घास खाता था कि क्या खाता था अल्लाह जाने आजकल हिंदुस्तान में दिगर में क्या क्या खा रही है आपको पता है बोलना जरूरी नहीं है क्या क्या पी रही है वो भी मालूम ये उसी कैटेगरी में से था अल्लाह जाने इसको अकल नहीं थाना बड़ा मुनाजिर था वो तो अताउल्ला बुखारी का जुबलाल नकल कर रहा है वो कहता है कि आप भी सही मैं भी सही ये भाई दोनों कैसे सही वो खुदा का दावा करके मैं यानी ये खुदा का दावा करके सही और वो नबी का दावा करके सही अरे दोनों गलत है खुदाई दावा करने वाला भी गलत है नबी होने का दावा करने वाला भी गलत है मगर अल्लाह बुखारी कहते चलो आप भी सही मैं भी सही अब हादसा तो हो गया तुम्हारे माँ बाप ने गलती से तुम्हारे लिए गुलाम लगा दिया मेरे माँ बाप ने आता लगा दिया मैं अल्लाह हो गया तुम गुलाम अहमद हो गए अब मैं तो अल्लाह हूँ तो मैंने तो नबी बनाया नहीं तो आप नबी बने कैसे ये मना दूसरे लफ्जों में उसने तो छोटा दावा किया था कि मैं नबी हूं इन्होंने उससे पढ़कर दावा किया कि मैं खुदा हूं वो दावा झूठा करके मुस्लिम कजाब की कैटेगरी में आ गया ये फिर नमरूद की कैटेगरी में खुदा का दावा करके पहुंच गया तो बहरहाल ये देवबंदियों का एक अकीदा था इसी फिरके में एक मौलवी साहब आ रहा है जिनका नाम था मौलवी अशरफ अली थानवी साहब उसकी जगह ये किताब मैं दिखा देता हूँ यह है मेरे हाथ में छोटे से ये छोटे छोटे किताब छे लिखे गए उस दौर में ये आज भी छप रहे हैं ये आज भी छप रहे हैं उर्दू जबान में फारसी और अरबी में नहीं है कि अवाम पढ़े तो समझ ना सके अब इस किताब में इन्होंने क्या लिखा मफूमन बता रहा हूँ कि रसुल्ला केम ग़ैब के तल्ल के से सवाल हुआ ये शख्स ने सवाल किया कि रसोल्ला के बारे में हज़ूर केल्बैब के बारे में हमारा अकीदा यह है कि हज़ूर आने वाले हालात की खबरें जानते हैं ैब का मायने क्या होता है छुपी हुई बातों को जानना हजूर हर छुपी हुई बात को जानते हैं और ये जो इल्म है आपको जो छुपी हुई बातों को जानना आने वाले हालात को जानना ये इल्म आपका ज़ाती नहीं है ख़ुद से नहीं है बल्कि ये इल्म आपको अल्लाह ने अता किया है और अल्लाह का, अल्ला का, अल्ला का जो इल्म है वो ज़ाती है अल्लाह को वो इल्म किसी ने नहीं दिया और यही अकीदा है दुरुस्त है सही है यही अलह सुन्नत का अकीदा है कि अल्लाह का जो इल्म है वो ज़ाती है अल्लाह को किसी ने पढ़ाया किसी ने सिखाया कौन है कायनात का में जो अल्लाह को पढ़ाए लिखाए सिखाए तो रसूल को अल्लाह ने इल्म अता किया ये अकीदा था ये सवाल किया कि यदा नहीं हो गई थोड़ी सी तो मैं यह बता रहा हूं कि यह अकीदा दुरुस्त है ही गलत है आपके ख्याल में बताइए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो इल्म है वो अल्लाह ने दिया और अल्लाह का इल्म जाती है, ये है, के नहीं? सही, है, के नहीं? है। सही है ना यही अकीदा है अब इसमें सवाल हुआ कि अकीदा रखने वाला कैसा तो मौलाना अशरफ ईमान में जवाब दिया कि अगर को अताई है अल्लाह ने ही अता किया तो इसमें हुजूर का क्या कमाल है जैसा हुजूर को है ऐसा इल्म तो जानवरों को भी है पागलों को भी है हर दो टांग के जानवर को भी है बच्चे को भी है इसलिए कि अगर इल्म मानते आप रसूल के लिए तो फिर तो जानवर को भी अल्लाह ने कुछ ना कुछ इल्म तो दिया है ना बच्चे को भी कुछ ना कुछ इल्म दिया है पागलों को भी कुछ ना कुछ इल्म होता ही है तो इसमें हुजूर का क्या कमाल फिर मुझे ये बताइए कि नबी के इल्म को जानवर और पागलों के इल्म से और बच्चों के इल्म से तजबी देना उसकी मसावी करार देना यह रसुल्ला के इल्म की और रसूल की तोहन है या नहीं है बोलिए तोहन है ना यकीन तोहही जैसे कि मैं कहूँ कि मौलाना अशरफ अली थानवी को जो भी इल्म है उसमें मौलाना अशरफ अली थानवी का क्या कमाल जैसा अशरफ अली थानवी को इल्म है वैसा तो कुत्ते को भी इल्म है वैसा तो सवर और खजीर को भी इलम है तो बताइए हारत देवबंदी ये कहेंगे कि नहीं कि हमारे मौलाना के इल्म की तोहीन की कहेंगे ना तो जब जो जुमले अगर थोड़े से बदल दिए जाएँ और वो रसूल की जगह मौलाना शहब अली थानवी का नाम ले लिया जाए तो आप कहते तोहीन हो गई और यही बात जब आप रसूल के लिए कहते तो फिर रसूल के लिए तोहिन क्यों नहीं हुई यकीन इसी बुनियादों पर इन्हीं किताबों की बुनियाद पर हमारे अहले सुन्नत में और जिसमें ख़ास तौर से उस वक्त जो क़्यादत कर रहे थे इन तमाम उलमा की वो थे इमाम अहमद रज़ा मोहद्दी से बरेलवी रदी अल्लाह तुम इन्होंने कुफ़र के फ़तवे लगाए इन पर और ये फतवा सिर्फ हिंदुस्तान से नहीं लगा बल्कि हर मैन तय्यबैन मक्का और मदीने के सैतीस और जैदा ने इन पर फतवा लगाया कि ऐसा क़ीदा रखने वाला काफिर है अब बताइए अगर एक बड़ी जमात इस बात को लेकर इनसे नाराज हो गई अख्तिलाफ हो गया दो ग्रोह हो गए दो ग्रुप बन गए अख्तिलाफ हो गया फिरके फिरके हो गए टुकड़े तो हो गए उम्मत में बेहतर क्या था बताइए हल क्या था आज ये फिरके के लोग दावे करते हैं कि भाई जोड़ने की बात करो तोड़ने की बात मत करो टूटे आप है कि हम टूटे निकले आप हैं कि हम निकले अब अगर आप कहते हैं कि हम जोड़ने की बात करते हैं तो अगर वाकई ये तुम जोड़ने वाले होते ये मकारी के जुमले तुम्हारे फरेब के जुमले अगर तुम वाकई जोड़ने वाले होते मुझे बताओ ये छोटा सा किताबचा और ये दो छोटे छोटे से किताबचे जिनकी बुनियादों पर दो ग्रुप बन गए दो फिरके हो गए उम्मत में इख्तलाफ हो गया दो टुकड़ों में उम्मत बढ़ गई ये किताब कुरान है कि हदीस है बोलिए क्या है ये बोलिए बोलिए कुरान है ये किताब कुरानी वाहिद वो किताब है ना जिसका ज़ेर बदला जा सकता है ना सबर बदला जा सकता है वो अल्लाह का कलाम है ये तो तुम्हारा अपना कलाम था तुम्हारी अपनी तहरीर थी तुम्हारी अपनी बोली थी अगर वाकई तुम सच्चे थे तुम उम्मत में इख्तलाफ़ नहीं चाहते थे तुम मोहब्बत करने वाली बातें करते हो तो तुम क्या कहते कि चलो ठीक है इसी एक किताब पर हमारे पूरे की बुनियाद नहीं है इसी एक किताब की बुनियाद पर पूरा इस्लाम नहीं टिका हुआ यह कोई किताब जो है ना कुरान है ना हदीस है ना कुरान की कोई आयत है कि जिसका ज़ेर वबर न बदला जाए हमारी अपनी किताब है अगर एक जमात एक तबका एक बड़ी तादाद में लोग हम इख्तलाफ करके अलग होते हैं और हमको काफिर करार देते हैं लीजिए है, हम इस किताब को छापना बंद करते हैं और इस अकी से तोबा करके कलमा पढ़ के हम आपसे गले मिल लेते हैं लेकिन ये आज तक करने के लिए लोग तैयार नहीं बगर झूठे दावे कौम को गुमराह करने के लिए जरूर करते हैं मोहब्बत की बात करनी चाहिए अख्लाफ की बात नहीं करनी चाहिए तो अख्तलाफ तो इस किताब की वजह से हुआ तो जिस चीज़, चीज़ ने अख्तलाफ पैदा किया उसको जुर दूर करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था लेकिन नहीं किया इन्होंने और आज तक कौम को फरेब दे रहे हैं और बल्कि उसी अकी की बुनियाद को लेकर आज तक रसूल की तोहन करते आ रहे हैं इन्होंने कहा रसुल्ला कोल में गायब नहीं है आई एक किताब और लिखी गई इस किताब के दिफा में फिर एक किताब लिखी गई यह है कातिया इस नहीं आ रहे तो हाँ रही है उधर से गड़बड़े इधर से कुछ नहीं है यह कातिया इसमें क्या लिखा गया देखिए अब उसी बात को निभाया गया मौलवी खलील अहमद अम्बिटवी इसी जमात के मौलाना है उन्होंने लिखा इस किताब को तो एक कमजोर हदीस झूठी हदीस को और एक बहुत बड़ी जात और शख्सियत है आज से साढ़े पांच सौ साल पहले की जिनका नाम शेख अब्दुल्ला से देलवी उनकी तरफ मनसूख करके झूठी रवायत लिखी गई जो कि उन्होंने लिखा ही नहीं लिखा क्या गया कि फकर आलम फरमाते वल्लाफुल मा यु बी वाला तर्जमा यह होता है कि रसुल्ला फरमाते कि मैं नहीं जानता कि मेरे साथ क्या होगा और तुम्हारे साथ क्या होगा अलहदीस फिर कहते शेख अब्दुल हक रिवायत करते हैं कि मुझको दीवार के पीछे का भी इलम नहीं यानी इलम खराब तो बहुत बड़ी बात है छुपी हुई बातों को जानना तो बहुत दूर की बात है आने वाले जमानों की खबरें देना तो बहुत दूर की बात है रसूलुल्लाह ने तो ये तक फरमा दिया है कि मुझे दीवार के पीछे का भी इलम नहीं इस दीवार के पीछे का मैं भी नहीं जानता हूँ और ये कहा किसने नाम किसकी तरफ मनसूब किया शेख अब्दुल हक मोदी से देलवी रमत हालांकि वही शेख अब्दुल हक मोदी से दहलवी ख़ुद क्या कहते हैं उनकी किताब है मदार जुल नबूत इस वक्त टेबल पर भी रखी हुई है मेरे पास फ़ारसी जबान में है इसकी जिल नंबर एक है सफ़ा नंबर सात है आइए मदार दिन नब्बत में खुद शेख अब्दुल्लख क्या कहते हैं वही शेख अब्दुल्लख जिनके नाम से लिख रहे हैं जना वो कहते हैं ईजा इश्काल मियान के दरबाजी रिवायात आमदा अस्त के गुफ आजरत सल्हल के मन बंदाम कहते बाद रिवायतों में ये बयान किया गया है बाद रिवायतों में यह आया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मन बंदाम मैं एक अल्लाह का बंदा हूँ नमी दानम आचे दर पस ई दीवार मैं नहीं जानता कि इस दीवार के पीछे क्या है शाहब्दुल कहते हैं कि बास रिवायतों में ये बात ज़रूर आई है कि अल्लाह के नबी ने गोया ये फरमाया कि मैं नहीं जानता मैं तो एक आम बंदा हूँ मैं नहीं जानता दीवार के पीछे क्या है जवाबस आनस के ई सुकन असली दार कहते इस बात का जवाब यह है कि ये रिवाया साबित नहीं ये रिवायत झूठी है और रिवायत बदा सही नुशीदा अस्त ये रिवायत हर गीत हर गीत सही नहीं मन झूठी रिवायत है शाह जिस रिवायत को झूठी करार दे रहे ये शाब्दुलक की नाम से गढ़ के को ही डाल दे रहे जैसे कि मैं अभी ये कहूं मिसाल के तौर पे कि भाई ये रात है अभी ये मैं सही कह रहा हूँ अब कल कोई मेरा दुश्मन मेरे खिलाफ क्या कहे कि फारूक साहब पागल हो गए अंधेरी रात थी तारीख रात थी और कह रहे थे कि कितनी रोशनी है कितना अच्छा दिन निकला हुआ है भाई मैंने तो रात ही कहा था दिन तो कहा नहीं था लेकिन यहां तक के कि कि अब ये बात को आज तक इनके मौलवी ढोरे ये मौलवी साहब को सुनिए आप लैपटॉप का साउंड भाई

नहीं लूज नहीं वो थोड़ा सा हो गया ना करंट से स्टार्ट नहीं कर सकते टाइम नहीं है सुनिए अच्छा एक मिनट इसमें प्रॉब्लम है स्टोरी है ये एक औजु बिल्लाह बल्कि यहां तक कहा गया है औजु बिल्लाह मैं कहता हूँ या शेख अब्दुल कादिर दिलावी का ये शेर हो ही नहीं सकता लेकिन लेकिन अपने नादानों ने अपने जालिमों ने किस तरह से शेख अब्दुल कादिर तो को तो बदनाम किया तो कहते कि हैं कि शेख अब्दुल कादिर दिलावी फरमाते हैं कि रायतु بلاد रायतु بلاد الله كما كثرت الذين علاه حكومة تسالي كثرت الذين علاه حكومة تسالي

अब अगर मैं ये कहूं कि मौलवी साहब मदरसे में रहते हैं, इनको तो अपने घर का भी पता नहीं कि इनके घर के घर में इनकी बीवी क्या कर रही है किसके साथ मुँह काला कर रही है तो नाराज़ हो जाएंगे कहेंगे हाँ हमको इतना लाइम बता रहे हैं, हमें अपनी बीवी की खबर नहीं जनाब जब आप मदरसे में रहे मस्जिद में रहे तब भी आप कहते हमारी बीवी पे हमको यकीन है भरोसा है बीवी की भी घर की भी हम खबर रखते हैं नबी को इतना बेल बताते हो कि दीवार के पीछे की खबर नहीं पीठ के पीछे क्या हो रहा है नबी को मालूम नहीं ये तारीफ़ हो रही है रसोल्ला की तोहिन हो रही है यह सैकड़ों हदीसों का इनकार है यह कुरान का इनकार है इसलिए कि कुरान अजीम में अल्लाह खुद फरमाता है कि हमने अपने नबियों को इलम दिया सूरह चीन में रब फरमाता है कि अल्लाह की शान ये नहीं कि ए लोगो तुम्हें इल्मता करे अल्लाह की शान नहीं कि वो अपने गैब पर किसी को मुसलत करे मगर यह कि अपने पसंदीदा रसूलों में जिसे चाहता है इसके लिए चुन लेता है आलिमी आलिमी क्या है वो अला युजहरू आलिबी युजहरू अला गैबी इल्ला मनिर तदा भी रसूल अल्लाह फरमाता है कि लोगो अल्लाह अपने इल्म पर अपने इल्म गैब पर किसी को मुसलत नहीं करता मनिर तदा मिल रसूल मगर अपने रसूलों में से जिसे पसंद फरमाता है इल्म फरमा देता है तो तमाम नवियों में सबसे ज्यादा पसंदीदा कौन है अल्लाह के नजदीक रसूलुल्लाह रसुल्ला से बढ़कर कौन पसंदीदा हो सकते अल्लाह के सबसे ज्यादा पसंदीदा आका और इसने कहा रसूल को दीवार के पीछे का गय नहीं आइए सर आप सिर्फ एक हदीस दिखाऊंगा ज्यादा वक्त नहीं है सही बुखारी अच्छा अब आगे माशा सही बुखारी जो क़ुरान अज़ीम के बाद सबसे मतबर किताबों में हमारे यहाँ तस्लीम की जाती है हदीस में पहले नंबर की किताब मानी जाती है सही बुखारी किताबलादी नंबर चार सौ अट्ठारह अदरत अबूर से रिवायत है हदीस का पस मंज़र यह है कि आका नमाज़ पढ़ा रहे हैं साबाक करामूर के पीछे नमाज़ पढ़ रहे हैं हज़ू का रुख कबले की तरफ है साबा पीछे हैं तो हजूर को पीछे की ज़ाहिरन ख़बर होनी चाहिए जायरन तो नहीं होनी चाहिए जैसे मैं आपकी तरफ देख रहा हूं तो मेरे पीठ के पीछे क्या है मैं जानता हूं क्या D नहीं जानता आप मुझे देख रहे हैं तो आपके पीठ के पीछे कौन बैठा है क्या कर रहा है आप जानते हैं क्या नहीं ये हमारी हालत है लेकिन हमारे नबी की हालत ऐसी नहीं है साहब इक्राम पीछे हैं कुछ साहबा का नमाज में दिल नहीं है कुछ ख्याल आ रहे हैं उनको मुख्तलफ कुछ साहब इक्राम नमाज में कुछ अलग हरकतें कर रहे हैं अब हबरा कहते हैं अनबी हुआ अन् रसूल काल आका ने नमाज खत्म की और इर्षात फरमाया साहबा से हल तरना किबलती हा हुना लोगों क्या तुम ये समझते हो कि मेरा रुख किबले की तरफ है तो मैं तुम्हारे हालात से वाकिफ नहीं मेरा चेहरा किबले की तरफ है तो मेरे पीछे तुम क्या कर रहे हो मैं नहीं जानता फाल्ला खुशुम वाला रुकुम अल्लाह की कसम ना तुम्हारा खुशू मुझसे छुपा हुआ है ना तुम्हारा रुकू मुझसे छुपा हुआ है मैं तुम्हारे रुकू को भी देखता हूँ सुजूद को भी देखता हूँ और एक लफ्ज़ क्या फरमाया खुशुकुम खुशु का ताल्लुक दिल से होता है दिल में क्या ख्याल है उससे भी मैं वाकिफ हूँ कितना बड़ा इल्म है गए और फिर ये बात का जो टुकड़ा है वाज़े हदीस में अल्फाज है मगर इन बदबकतों को देखिए कि वाज़ हदीस के अल्फाज को भी देख ये नज़रअाज़ करके क़ुरान हदीस के ख़िलाफ़ अकीदत में आम करते हैं फिर आका क्या फरमाते इन जहरी जैसे मैं सामने देखता हूं वैसे अपने पीठ के पीछे भी देखता हूँ जैसे सामने आगे और पीछे में मेरे लिए कोई फर्क नहीं है और यह हदीस बुखारी की है मैंने सबसे अजीम सबसे बेहतरीन सबसे आला दर्जे की किताब से हदीस दिखा दी अब इसके बाद तो किसी और दिगर किताब को ना भी दिखाओ तो हक अदा हो गया बात मुकम्मल हो गई मगर ये फिर तब भी ये रहा रहेगा कि रसूल कोयल में गैब नहीं था दीवार के पीछे की खबर नहीं और उल्टा चोर कोतवाल को, को डांटे की तौर पर क्या करेंगे ये सुनिए मौलाना मेहराज रब्बानी हमें नाम नहीं बताया इनका सुन लीजिए हिंदुस्तान की थे लेकिन सऊदीया में रह रहे आज कल मर गए खबर अल्लाह के नदी बोलो और जो यादा तबक है वो काफी है ये लैंग्वेज देख रहे हैं आप रसूल के बारे में उस पैगंबर के बारे में ये ज़बान है जिस पर ये ईमान लाए अल्लाह के नबी को इल्म गायब नहीं था जो अगर कहे कि को इल्म गायब था वो दुनिया का बदतरीन है कज़ाब है झूठा है तो माजल्ला बदतरीन और कज़ाब क्या तुमने खुदा को कहा कि खुदा तो कहता है मनिर तदा मसूल जो रसूलों में मैं पसंद जिसे करता हूँ उसमें इम गायब दे देता हूँ एक दूसरे मकाम पर रफ़ फरमाता है वमा हुआ अलगी बेदन हमारा ये नबी ग़ायब बताने में बखील और कंजूस नहीं हम अपने नबी को गैब की ख़बरें देते हैं और वो तुम पर ज़ाहिर करता है कंजूसी नहीं करता बताने में वो तो क़ुरान तो नबी के ग़ैब की बात कर रहा है हदी से बता रही है और ये जनाब उल्टा हम पे कुफर के फतवे लगा रहे हैं जो मान रहे हैं तो माज़ाला फतवा तो फिर तुम्हारा अस्तक फिर बार माज़ल्ला खुदा पे जाके लगा रसूल पे लगा खुदाइए अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम के गैब का आलम क्या है बड़ी तवील हदीस है उसको मैं के दूसरी हदीस दिखा रहा हूँ अब इससे बढ़ में ग़ैब क्या होगा ये अल अलमााहबुलदुनिया है इमाम कस्तलानी रमत बहुत बड़े मजदिद गुजरे हैं उनकी किताब है और ये हदीस भी बहुत सारी किताबों में लिखी गई है इमाम तबरानी की उन्होंने उससे हवाले से नकल की कहते हैं कि अखरजत तबरानी इमाम तबरानी ने इस हदीस को बयान किया अन इबन उमरा। उमर रिवायत करते वसल्लम काला काला अल्ला अल्लाह के रसूल वसल्लम ने इशात फरमाया इन अदरफा दुनिया आगा कहते अल्लाह ने तमाम दुनिया को तमाम कायनात को मेरे सामने लाकर रख दिया ये सारी दुनिया मेरे सामने लाकर रख दी गई है फाना उजर वाह कयन फियाला योमिल कयाम और ये जो कुछ इस दुनिया में है और जो कुछ हो रहा है जो क्यामत तक होता रहेगा सब मेरी निगाहों के सामने है जो हो रहा है वो भी मैं देख रहा हूँ क़यामत तक जो होगा वो भी मेरी निगाहों के सामने कायन इला कफी हाजही मैं तमाम कायनात के निज़ाम को ऐसे देखता हूँ जैसे मैं अपनी हथेली को देखता हूँ बड़े बड़े महदसिन ने जो हदीसें नकल की उसको हम छोड़ दें और इन मौलियों के पीछे चले तो मुझे फिर बताइए इलम नाफे इन महदसिन के पास था कि इनके पास है यकीन अल्लाह ने नाफे उन महदसिन को दिया जिन्होंने रसोल्ला की हदीसों को लिखा जो अपने वक्त के वक्म थे और ये आज के जो मौलवी है आज के जो गुमराह करने वाले हैं इनके पास इलम नहीं है बल्कि जो इल्म ये जाहिर करते वो इल्म मुसीर है वो नुकसानदेह और अभी हाल ही में अब तो ऐसा हो गया कि कल तक तो मौलवी आते थे इस मामले में अब आजकल ऐसे भी आ रहे हैं इंजीनियर टाइप के लोग पाकिस्तान में अभी इस वक्त एक पैदा हुए इंजीनियर मिर्ज़ा अली नाम है जिनका पलम्बर बोलते हैं उनको लोग अब आइए ज़रा उनका मामला देख लीजिए आजकल नौजवान इनको बहुत सुन रहे हैं ये इतना बड़ा गुस्ताख है कि सहाबा तो इसके सामने कोई पंजाबी में एक जुमला कहता है ये बद बाबे शही कोई नहीं इमाम शय कोई नहीं अलिया शय कोई नहीं अंबिया शय कोई नहीं शय कोई नहीं मतलब ये कोई चीज़ है ही नहीं कुछ भी नहीं है ज़ीरो है ये, ये इसने ओलमा की तोहिन से शुरू की फिर वलियों तक पहुंचा फिर इमामों तक पहुंचा साहबा तक पहुंचा अब तो माजल्ला रसुल्ला तक पहुंच गया अब बस वो दिन बाकी है कि जिस दिन ये अल्लाह की शान में भी और कई जगह अल्लाह की भी शान में तोहन किया है अब ये कल ये ना बोल दे खुदा ना खास्ता कि अब अल्लाह भी कोई शेय नहीं मा इसके तोहन के अंदाज़ ऐसे ऐसे कि अगर इस पर सुनाए तो घंटों लग जाए आइए रसूल के बारे में बदबक क्या कहता है ज़रा सुनिए ये मौलाना इसाक एक अहले हदीस थे ये अपना उस्ताद बोलता है वो बूढ़ा था मर गया मौलाना इसाक जुमला बोला करते थे सबसे पहले इस जाहिल से मैं पूछता हूं तू तो कहता है कि मैं तो इल्मी किताब हूं हम तो किताब से मानते कि मौलाना इसाक किस किताब का नाम है भाई जिसका जो जुमला कोड कर रहा है जिसके जुमले को आप दलील बना रहे हो तो ये मौलाना इसाक किस किताब का नाम है ये बुखारी है मुस्लिम है तिरमीजी है इब्ने माजा है नसा ये है, है कौन ये जब बड़े बड़े बाबे कोई शह नहीं तो मौलाना इसाक कौन सी शह है तो मौलाना थे और तूने उसके जुमले को बतौर हुआ तो बतौर दलील बयान कर दिया खबीस ने और फिर क्या बयान किया कि जब भी तोहिद बयान होंगी यानी अल्लाह की तारीफ होंगी तो अंबिया की तो खुद ब खुद गुस्ताखी होगी भाई मैंने भी तोहद आज के जलसे में बयान की कहीं नबी की तोहन हुई उसमें अरे खुदा की तोहद जब भी बयान होंगी अल्लाह की तारीफ बयान होंगी और अल्लाह की तारीफ के साथ साथ खुद पैगम्बर की तारीफ हो जाएंगी और वह ऐसे होंगी कि रब तबारों को ताला जब इतना अजीम है कि जिस, जिस की तोहद का यह आलम है जिसकी शान का यह आलम है कि जिसने बग़ैर सतूरों के आसमान बनाए जो आसमान से बारिश बरसाता है जो दरख्तों से फल निकालता है बीजों से दरख्त उगाता है दरख्तों में फल लगाता है फलों में बीज पैदा करता है फिर बीज से दरख्त पैदा करता है जो जिंदा से मुर्दे को निकालता है मुर्दे से जिंदे को निकालता है बेशुमार उसकी तोहिन पर उसकी खूबियाँ और उसकी जो है तारीफ पर कुरान की आयतें मौजूद है जब ये बातें बयान होती है तो पैगंबर की भी तारीफ आ जाती है कि जब बनाने वाला इतना अजीम है तो बनने वाला कितना अजीम होगा आपको अपने अबा की तारीफ बयान करना है तो क्या अबा की तारीफ़ के लिए आपको चचा की तोहिन करना पड़ता है आपको कहना हो कि मेरे वाली साहब बहुत अकलमंद है तो आप यूँ कहते मेरे वाली साहब बहुत अकलमंद है मेरे चचा एक नंबर के बेवकूफ़ है ये क्या बात हुई भाई कि जब भी अल्लाह की तारीफ बयान होंगी तो पैगंबर की तो तौद होगी कि अल्लाह के सामने तो पैगंबर कोई शायद नहीं ये तकवतल ईमान वाली बोली है मौली इसमायल देलवी ने भी यही कहा था कि अल्लाह की शान इतनी बड़ी है कि अल्लाह की शान के आगे तमाम अम्बिया हो चाहे मुकरब तरीन फरिश्ते हो चमार से ज्यादा जलील है ये किताब मौजूद है जिसमें बात लिखी है यह तकवतलिमान ये छोटे छोटे किताब चे लिखे गए और ये सब बकवासात लिखी गई है और यही जुमला जब मैंने एक मनाजरे में पलट कर कह दिया था एक उनके मुनाजिर को पैंसठ साल के खूसट बड़े मियाँ थे तो उनका चेहरे का जोग्राफिया बिगड़ गया था और वो कहने लगे कि तुम बरेल भी हो गाली गलोच करोगे अच्छा मैंने कहा हमने कहा तो गाली हो गए तुम्हारा मौलवी कहे तो तौहिद हो गई हमने कहा भाई तुम्हारा मौलवी कह रहा है अल्लाह की शान बहुत बड़ी है अल्लाह की शान के आगे चाहे पैगंबर हो चाहे फरिश्ते हो मकरब तरीन फरिश्ता हो या तमाम मखलूक हो अल्लाह की शान के आगे चमार से ज्यादा जलील है यानी चमार की तो हैसियत है लेकिन इनकी हैसियत चमार के भी बराबर नहीं आप कहते ये तोहीद है इसमें तोहहीन नहीं है तो मैं कहता हूँ कि अल्लाह की शान बहुत बड़ी है अल्लाह की शान के आगे अशरफ अली थानवी रशीद अहमद गंगोई खलील अहमद अम्बेटवी इसमाइल सुअर से ज्यादा जलील है कुत्ते से ज्यादा जलील है कुत्ते के पेशाब से ज्यादा जलील है तो चेहरा बिगड़ गया कहा गाली गलोच पर आ गए अब तुम मैंने कहा मैं भी तो तौहीद बयान कर रहा हूँ भाई अल्लाह की शान बहुत बड़ी है याद रखिए किसी की शान बताने के लिए दूसरे की तोहिन करना लाजिम नहीं अबू बकर की अगर तारीफ़ की जाएंगी तो अली की तोहहीद नहीं की जाएगी मौला अली की तारीफ की जाएंगी तो अबू बकर की तोह नहीं की जाएगी सब की तारीफ अपनी जगह है सब की खूबियाँ अपनी जगह है जो खूबियां अबू बकर में हैं वो मौला अली में नहीं बास खूबियां मौला अली में वो बास खूबियां जिसके मुतामिल जो फजाइल बास फजाइल जो अली के हैं वो अबू बकर के नहीं लेकिन यह है कि इजमाई अकीदा यह है कि तमाम सहाबा में सबसे अफजल ना नबो बकर सिद्दीक है हर फजीलत के वो जामे हैं नबूवत के सिवा मर्तबा क्या बयाह हो सिद्दीक का सैयद हर चीज के हर फजीलत के जामे है वो नबूवत के सिवा और दूसरी तोहिन क्या करता है बदबक मिर्जा कि पैगंबर का तो यह हाल है कि अपना पेशाब भी नहीं रोक सकते असल में मसला क्या है सारी गलती उस रात की है कि जिस रात इसके अब्बा इसके अम्मी के पास गए काश उस रात इसके वाली साहब थोड़ा सा सब्र कर लेते ये नतीजा बरामद ही नहीं होता ये एक जज्बाती कैफियत आ जाती है ना जब ऐसे नमूने पैदा हो जाते हैं तो बड़ी तकलीफ़ होती काश उस वक्त ऐसे लोगों के जज्बात कंट्रोल में आ जाए और ऐसे नमूने हमारी उम्मत में आना बंद हो जाए समझ रहे हैं ना आप ये सारा उस रात का कसूर है पता नहीं कौन सी सुहानी रात थी इसके अब्बा की क्या गलती की उन्होंने क्या अल्लाह जाने ऊपर से नीचे से क्या था मामला अल्लाह जाने नबी अपना पेशाब नहीं रोक सकते ये तो ही नहीं है की नहीं जाती हजरत इदरीम कहाँ जन्नत में जिंदा है जिस्म के साथ है जन्नत में ना पेशाब है ना पखाना और खुद हमारे नबी मेराज पर गए आसमानों की भी सैर की जन्नत की भी सैर की दोसा को भी देखा अम्बिया से भी मुलाकात की फ़रिश्तों से भी मुलाकात की नबियों से मुलाकात गुफगु हुई अल्लाह से भी गुफ्तु हुई अल्लाह से भी मुलाकात हुई ये इतनी तवील महराज है इतनी तवील मराज इतनी तवील मराज के इमाम गज़ाली रहमत फरमाते के उस महराज के पूरे वाक़े को अगर हम दिनों पर सालों पर तकसीम करें तो तकरीबा तकरीबा सात लाख साल का रसा गुजर जाए आसमानों की मोटाई तीस पाँच सौ साल की राह आसमानों के दरमियान का फासला पाँच सौ साल की ये यह मोजा नबी का कि गए वजू करके गए बिस्तर गर्म छोड़ कर गए कुंडी हिलती भी छोड़ कर गए आए तो वजू का पानी पूरी तरह ज़मीन में जज्ब नहीं हुआ बिस्तर गर्म का गर्मी था दरवाजे की कुंडी हिल रही थी तो हिल ही रही थी वजह क्या थी भाई आप कोई यहाँ पर इख्तलाफ़ करेगा आपसे एतराज करेगा बात निकल गई हालांकि मौजूद महराज नबी नहीं है बात आ गई तो एक इश्क की बात है रसूल की अजमत की बात है तो अर्ज करता चलूं कोई कल एतराज करेगा कि ये कैसी बातें करते हो यार तुम लोग एक तरफ कहते हो आसमानों की मोटाई 500 सौ साल की रहा जन्नत इतनी बड़ी कि उसके दरवाजे आठ दरवाजे हर दरवाजों के बीच में जो फासला एक घोड़सवार तेज़ रफ्तार से गए तो पाँच हज़ार साल लग जाए दूसरी इस चौकट से उस चौकट को पहुँचने के लिए फिर कहते पूरी जन्नत भी देख ली दो भी देख ली सब मुलाकात हो गई ये हो गई गए तो कुंडी हिल रही थी आए तो कुंडी हिल रही थी पानी वजू का जज्बा नहीं हुआ था जू का तू था ये कैसे हो सकता है इतने कम वक्त में फिर ये सारे कायनात की सैर कैसे हो सकती है तो उसका बड़ा मुख्तसर सा जवाब है बस एक मिसाल में मैं आपको बताता चलूँ आपके घर में घड़ी होती है टाइम बताने वाली वाल घड़ी दीवार के ऊपर उसका सेल खत्म हो गया उसकी बैटरी खत्म हो गई घड़ी रुक गई मान लीजिए छः बजकर पैंतीस मिनट पर घड़ी बंद हो गई छ बजकर पैंतीस मिनट पर घड़ी बंद हो गई सेल डाउन हो गया अब आपने सेल नहीं बदला एक साल तक घड़ी में सेल ही नहीं डाला बताइए घड़ी का कांटा कहाँ रुका हुआ रहेगा छह बजकर पैंतीस मिनट पर रुका हुआ है एक साल के बाद अचानक आपको ख्याल आया यार घड़ी फालतू ये रखी हुई है चलो इसको चालू करते अपने बेटे से कहा आपने जाओ बेटा जरा एक बैटरी लेकर आओ सेल लेकर आओ बच्चा दौड़ के गया छोटा सा सेल लाया पुराना सेल निकाला नया सेल डाला जैसी सेल डाला घड़ी कहां से शुरू होगी भला उस वक्त कुछ भी बज रहा हो लेकिन वो शुरू कहां से होंगी छह पैंतीस से घड़ी रुक इसलिए गई थी कि घड़ी के अंदर सेल नहीं था पता चला घड़ी को चलाने वाली जो जान है उसके अंदर जो एनर्जी है वो बैटरी है पूरी कायनात की जान मुस्तफा है कायनात में मुस्तफा है कायनात चल रही है आका कायनात को छोड़कर निकल गए कायनात रुक गई मुस्तफा कायनात चल पड़ी इसी को अलादत कहते हैं वो जो ना थे तो कुछ ना था वो जो ना हो तो कुछ ना हो जान है वो जहान की जान है तो जहान इतनी लंबी मेराज हो गई मगर एक माई का लाल कोई रिवायत दिखाए कि आका ने कहा कि मैंने जन्नत तो देखी लेकिन फिर जोर से पेशाब आया तो मैंने फुला जगह पेशाब किया ज़ोर सा पाखाना आया तो फिर मैंने जिब्रिल से कहा जिब्रिल पखाना कहाँ करना है नहीं मिलेगा पूरी मेराज में मुस्तफ़ा ने पेशाब नहीं किया मेरे आका चाहते तो ज़िंदगी भर पेशाब की हाजत ही नहीं मेरे आका चाहते ज़िंदगी भर कजाए हाजत यानी पखाने के लिए जाने की ज़रूरत नहीं मगर मुस्तफ़ा को पेशाब क्यों आया पैगंबरों को तो पेशाब क्यों आता था अगर पेशाब ना आता पखाना ना आता तो हमें सलीका कैसे मिलता कि पेशाब करने का तरीका क्या है पखाना करने का तरीका क्या है ये अंबिया तालीम के लिए आते हैं दुनिया में और तालीम तभी होती है कि उस अमल को प्रैक्टिकल करके दिखाया जाए वरना अल्लाह कादिर है कि अपने पैगंबरों को इससे मुनजा रखे और फिर चलो आप पैगंबर नहीं रोक सकते जन्नत में तो किसी जन्नति को आप हम इन जन्नत में जाएंगे तो जन्नत में ना पेशाब है ना पाखाना है तो जो परवरदिगार आलम आप जैसे हम जैसों को जन्नत में भेजने के बाद पेशाब पाखाना पाक रख सकता है मुनजर मुबर्रा रख सकता है वो अपने अम्बिया को ताकत नहीं दे सकता कि वो अपने पेशाब को रोक सके अच्छा इस जाहिल के नजदीक तोहिद ये है अच्छा ये इसमें जो मिसाल भी देखो कितनी घटिया दिया बोलते ना पलम्बर आदमी है ये इंजीनियर भी नहीं है इंजीनियरिंग के भी लायक नहीं है जाहिल ये बता रहे अल्लाह की तोहिद अब तोहन कर रहा है पैगम्बर की लेकिन उसमें मिसाल कितनी घटिया दे रहा है कि अल्लाह की तोहिद जब बयान होंगी तो पैगम्बर की ऑटोमेटिक गुस्ताखी होंगी अम्मियत अपना पेशाब नहीं रोक सकते इसके नजदीक यानी पेशाब नहीं रोक सकते इसलिए बंदे पेशाब रोक ले तो खुदा हो जाए तो माज अल्लाह के अल्लाह पेशाब रोके हुए अस्तफिर इसलिए वो खुदा है क्या घटिया मिसालें हैं क्या इसकी घटिया जहनीत है और ऐसे जाहिरों की लोग इतार पैरवी कर रहे हैं फिर दूसरी जगह एक जगह क्या कहता है जाहिल ज़रा सुनिए

कितनी भारी पड़ रही है ये एक रात उम्मत पर कुरान अजीम में सुरा, नज़म आयत एक से पांच तक अल्लाह ने अपने नबी की खूबियां बयान किया कुरान अजीम में बयान की सत्तावीस सौ पारा है वन नजमी इजा हवा मैं वो तफसीरी तर्जमा कर रहा हूँ जो इमाम जाफर सादिक ने जो मुराद ली है इस चमकते सितारे मोहम्मद की कसम जब ये मेराज से उतरे जाफर तफसीर है, तफसीरी तरजमा करना वन नजमी उस चमकते सितारे मोहम्मद की कसम जब वो महराज से उतरे मादल साहिब कुंभ मा गवा और लोगो तुम्हारे साहेब तुम्हारे पैगम्बर ना बहके और ना बेरा चले गुमराह नहीं हुए पैगंबर गुमराह नहीं होता बल्कि गुमराहों को हिदायत देता है अनिल हवा वो कोई बात कहते ही नहीं अपनी ख्वाहिश से अपनी तरफ से कुछ कहते ही नहीं इन हवा इल्ला वही युहा जब तक हम उन पर वही ना कर दे वो कुछ कहते ही नहीं है अल्लाह रहा हमारा पैगंबर जब भी बोलता है हमारे हुक्म पर बोलता है अब वही दो तरीक़े की होती है जाहिल को कुछ पता हो तो पता हो एक इल्हाम होता है और एक वो वही जो जिब्रील लाते इल्हाम दिल पर डायरेक्ट नाजिल होता है अल्लाह ताला डायरेक्ट इल्हाम के ज़रिए अपने नबी को अहकाम शादी करता है वह जिब्रील की भी रसाई नहीं होती और एक वो होता है कि जो आयतें होती हैं कुरान की वो जिब्रील के ज़रिए आती है वही के ज़रिए आती है और उस वही को जिब्रील लाते हैं ये साहब कहते हैं कि पैगंबर भी मासूम नहीं होते ये जो कुरान में आया भी है कि वो अपनी बात अपनी तबीयत से कुछ नहीं कहते वो दूसरी बातें नहीं है वो सिर्फ कुरान की आयत है बाकी कुछ नहीं यानी कुरान की आयत जब वो कहते हैं तो अल्लाह के हुक्म और अल्लाह की मर्जी से कहते हैं बाकी बातें वो अल्लाह की मर्जी के खिलाफ भी करते हैं और कहते हैं पैगम्बर इश्तेद करते हैं अक़ल दौड़ा दौड़ाते इश्हाद मतलब अकल से काम लेते हैं तो उसमें इश्ति गलती होती है तो फिर अल्लाह ने को तंबी भी की है डाटा भी है और दलील क्या दी मारे घुटना फूटे आंख कहीं कीट कहीं का रोड़ा भानमती ने कुंभा जोड़ा कहते मुनाफिक का नमाजे जनाजा पढ़ा दिया था अल्लाह के नबी ने। अल्लाह ताली ने तंबी की थी यह ख़ीज़ दिखा दे अल्लाह ने कहा तंबी की अरे जाहिल अल्लाह के रसूल की खुद हदीस है जब अब्दुलब्न ओबई मुनाफिक मरा उसकी नमाज जनाजा आप पढ़ाने के लिए गए आप जानते रहे कि मैं नमाज जनाजा पढ़ाऊँगा ये तो मुनाफिक है मेरे जनाजा पढ़ाने से इसको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं जन्म में ही जाएंगा अजली जन्नम है मगर मेरा ये किरदार मेरा ये अखलाक देख कर उसकी कौम के लोग ईमान ले आएंगे ये भी था, आका को और हुआ भी वही कि जब उसकी कबीले के लोगों ने देखा कि अब्दुल्ल उबई मुनाफिक सारी ज़िंदगी रसूल को नुक़सान पहुँचाता रहा हज़ूर की दुश्मनी में ये हद दर्जे गिरा हुआ शख्स था हुज़ूर को नुकसान के पहुंचाने के लिए ये बहाने तराशता था साजिशें करता था मगर उसके बावजूद कि मर गया रसूल इतनी नायत कर रहे इतना कर्म कर रहे कि नमाज़ जनाजा पढ़ा रहे हैं इसको कब्र में उतार रहे हैं इसको अपना कुर्ता मुबारक दे रहे हैं बस यही किरदार और अखलाक़ देख के उसकी कौम के लोग मुतासर हुए और वो सब सब ई ले आए उमर ने उस वक्त जब रोका वो नहीं जानते थे क्या होने वाला है इल्म गैब तो नबी को था ना हजरत उमर को नहीं पता था कि क्या होना इसका फ़ायदा क्या मिलेगा उन्होंने कहा कई यारसोल्लाई तो मुनाफिक है आप इसकी नमाज़ जनाजा पढ़ाएंगे हदीस में वाज़े अल्फ है कि उसने कहा मेरे रब ने मुझे मना नहीं किया मुझे इजाज़त दी चाहे तो मैं नमाज जनाजा पढ़ाऊँ चाहे ना पढ़ाऊँ मेरे रब ने मुझसे कहा हबीब अगर तू सत्तर बार भी इसके लिए इस्तफार करे तो हम इसके लिए नजात इसको नहीं देंगे अगर मेरा रब कहता है कि महबूब अगर तू इकहत्तर बार इसफ़ार करे या सत्तर से ज़्यादा बार इसतफार करे तो मैं इसे बख्श दूँगा तो मैं इसके लिए सत्तर से ज़्यादा इस्तबार कर लेता यह रिवायत तो साफ बता रही है कि हुजूर का नमाज पढ़ाना भी अल्लाह ने मना तो किया ही नहीं था जब उर्दू ने नमाज पढ़ा दी उसके बाद हुक्म आया बाद में हुक्म आया कि महबूब अब इसके बाद किसी मुनाफिक की जन, नमाज जनाजा ना पढ़ा ना किसी के जनाजे पे खड़े ना होना और न किसी की कब्र पर खड़ा होना तो गुना तब होता है कि कानून बन गया जो कानून तोड़ता है वो गुनागार होता है कानून बना ही नहीं तो गुनागार कहाँ से हुआ ये इंजीनियर कैसे बना पता नहीं किस किस जाहिल यूनिवर्सिटी ने इसको डिग्री दी है पलम्बर है इंजीनियर भी नहीं है लगता भाई मिसाल के तौर पे जैसे कि हिंदुस्तान में जीएसटी पहले था क्या भाई दूसरे टैक्स थे जीएसटी अब लागू हुआ अगर अब जो जीएसटी का टैक्स नहीं देगा जीएसटी के टैक्स में घपला करेगा तो कानून मुजरिम होंगे ना कि कोई कहेगा कि जनाब वो आज से पंद्रह साल पहले आपने जीएसटी नहीं दिया था इसके तहत आपको सजा दी जाती है वो कहेंगे मिलाट पंद्रह साल पहले तो जीएसटी नहीं था अरे भाई जब वो चीज़ थी ही नहीं तो मुजरिम कहां से हुआ हेलमेट का कानून ही नहीं था आप अगर हेलमेट के गाड़ी चला रहे थे अब हेलमेट का कानून आ गया कि गाड़ी चलाते वक्त हेलमेट पहनना कंपलसरी है अब अगर आप हेलमेट नहीं लगाएंगे तो अब आप जुर्माना होगा आपको अब सजा होगी ये आपके नाम से चालान ना आएगा कि आज से पच्चीस साल पहले आप बिना हेलमेट के गाड़ी चला रहे थे इसलिए आपको इतना जुर्माना भरना अरे भाई उस वक्त तो कानून ही नहीं था तो जब कानून ही नहीं आया मुनाफिक की नमाज जनाजा को लेकर तो फिर रसुल्ला का माजअल्ला कौन सी इश्तहादी खता थी कि जिस पर अल्लाह ताला तंबी कर रहा था तो नबी भी इससे महफूज नहीं यहां तक के भी जब नबी महफूज नहीं तो बेचारे साहबा की क्या है वो तो कोई शाही ही नहीं है इसके नजदीक अच्छा नबी से तो गलती हो सकती है इस बदबक से नहीं हो सकती यहां तक के, के हजरत उमर को भी देखिए क्या कहता है जरा सुनिए बात थोड़ी सी अजीब टाइप की है शायद कुछ जुमले समझ में नहीं आए होंगे मैं समझाता हूँ एक शख्स ने से सवाल किया कि हज़रत उमर अल्लाह अपने ज़माने में में अजान एक जुमले का इजाफा किया असला तो खैर ये सुबह की अजान में पुकारता है ना मोह दो बार क्या मतलब होता है नमाज नींद से बेहतर है तो अभी जलसे के बाद आप क्या करेंगे फजर पढ़ेंगे ना कि जाके सो जाएंगे याद रखिए वो जल से बाई से बरकत नहीं बल्कि बाई से पुरतिश हो जाएंगे कि रात भर तो हमने तकरीर सुनी और फजर गोल कर दी इसलिए सुन्नी मुसलमानों आज सबसे बड़ा जो लॉस हो रहा है ना हमारा हमारी मस्जिद हमारे हाथों से जो जा रही है हमारे नौजवान दिन ब दिन गुमराह होकर गुमराह फिरकों की तरफ मायल हो रहे हैं उसका एक सबसे बड़ा वजह क्या वजह क्या मालूम है मस्जिदों से हमारी दूरी मस्जिद जाते नहीं जब जा मस्जिद नहीं जाते नमाज की लौ नहीं है नमाज से दिलचस्पी नहीं है गैर मस्जिदों पर कब्जे कर लेते हैं नमाज से दिलचस्पी नहीं है दीन की मोहब्बत दीन की बेदारी पैदा नहीं होती तो हम मुताल नहीं करते मालूम हासिल नहीं करते अपने दीन और अपने अकायद को हम जानते नहीं है नतीजा ये होता है कि जो भी आके जो भी सुनाता है मुतासर हो जाते हैं इसलिए याद रखिए कि नमाज फर्ज ऐन है फर्ज एन है, बल्कि रिवायतों में आया अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिसने कस दन कस दन जान बूझ कर एक वक्त की भी नमाज छोड़ दी नब्बे लाख साल जैन में जलाया जाएगा सबसे पहले नमाज की पुरिश से। और बल्कि एक तो हदीस बड़ी सख्त है हमारे इमाम ने इस हदीस में एक तावील पेश की और उस तावील की बुनियाद पर थोड़ी सी नरमी है नरमी थोड़ी सी है फिर भी ज्यादा नहीं है लेकिन इबाम अहमद इबन हम्बल रद्दील्ल तु उनका मौक़ हदीस के मुताबिक वही है जैसा हदीस में आया और हदीस क्या है आका कहते हैं मन तरक् सलाता मत्मदन फकत कफ़र जिसने जान बूझ कर एक वक्त की भी नमाज छोड़ी उसने तहकीक उसने कुफर किया काफिर हो गया ओश और चूंकि सरकार गौसे आजम जिनकी हम ग्यारवी खाते हैं गौस कदामन नहीं छोड़ेंगे गौस कदामन नहीं छोड़ेंगे नारा तो खूब लगाते हैं मगर इस पर तोजह नहीं कि गौसे आजम की खुद तालीमत क्या है सरकार गौ से आजम चूँकि हम्बली थे इमाम अहमद इबी हम्बल की फ़िक को मानते थे उनकी फ़िक के मुताबिक गौ से आज़म भी कहते हैं कि जो एक वक्त की नमाज छोड़ता है हम उसको काफिर जानते हैं और वह ऐसा बदतरीन है कि लोगों जो बेनमाजी हो उसको अपने मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन भी ना करो जो गौ से आज़म अपने मुस्लिम कब्रिस्तान में बेनमाजी को दफन होने या ना करे क़यामत के दिन आपको कैसे शफात करेंगे जब आप जाएंगे या गौ से आज़म हम तो आपकी गैरवी करते थे या गौ से आज़म हम आपका नारा लगाते थे सरकार गौ से पाक फरमाएंगे नमाज़ पढ़ता था शफात उसकी है कि कुछ गोला हो गए कसद भूले से नमाज तो पढ़ना था पढ़ता था माल करने की कोशिश करता था उसके बावजूद बशरी अतबार से कुछ गुना हो गए तो बंदा जाता है परवरदिगार माफ़ कर दे अल्लाह फरमाएगा जाओ सिफ़ारिश सी ले आओ किस से सिफ़ारिश करवाएंगा भाई आप सिफ़ारिश कर दीजिए अल्लाह आपकी बात को ठुकराता नहीं है रद्द नहीं करता है लेकिन आप शुरू से लेकर पूरे ही गुनाहों में आलू जाए तो सजा तो भुगत ही नहीं है फिर बहरहाल शफात तो होंगी लेकिन सज़ा के बाद और जहन्नम का एक दिन तो बड़ी बात है एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कोई तो बहरहाल नमाज पढ़िए अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ कि आप हम सबको पक्का सच्चा नमाजी बनाए हमारी नमाज़ों में हमारे सजदों में खुशी और खुशू ता फ़रमाए तो उमर ने कहता है सवाल करने वाला कहता है कि उमर ने फजर की अज़ान में जुमले बढ़ाए तो अल्लाह के रसूल की तो हदीस है कि जो हमारे दिन में कोई नई चीज़ ऐाद करे वो बीदत है मरदू थे तो हज़रत उमर को अख्तियार है कि कोई चीज़ ये बढ़ा दे तो पलम्बर साहब का जवाब सुनिए हवाला बुखारी का दे रहे जबकि हजरत उमर ने बुखारी देखी जी नहीं थी नहीं उनके जमाने बुखारी। कहा बुखारी के अंदर तो साफ मौजूद है कि जो हमारे दीन में कोई नई चीज लाए वो, वो बिदत है अब वो बिदत चाहे हजरत उमर करे कोई भी करे बहरहाल वो बिदत है ये बहुत हाँ, बिदती होने का किस पे फतवा लगा रहे बिदती होने का हजरत उमर पे अमा साहब की जुरत को देखिए पलंबर साहब की जुरत को देखिए हजरत उमर बिद्दती है ये बड़ा तोहिद का ठेकेदार है और एक नंबर का फटू हर फिर का इसको मुनाजरे का चैलेंज कर रहा है जैसी बातें करता है कभी कहता है सबका मैच करवा लो जो जीतेगा वो मुझसे करे कभी कहता है उसको लाओ उसको लाओ अब उसको सवाल ही पैदा नहीं होता जो तुझे मुनाजरे का चैलेंज कर रहा है ऑलरेडी जिसका चैलेंज है तू उसके साथ बैठ नहीं रहा है और जो कर नहीं रहा है तो उसको लाओ बोलता तो ये कौन सी बात हुई भाई अब सबसे पहले इसका जवाब सुन लीजिए कि सबसे पहली बात तो इस पर ही इख्तलाफ है कि ये जो कलमा है फ़जर की अजान में ये उमर ने इजाफा किया या रसूलुल्लाह ने किया हमारे सुन्नत में वो भी हदीसें आई है कि ये रसूलुल्लाह ने ही अज़ान में इजाफा करवाया था और इसकी रिवायत ये है कि हज़रत एक मरतबा अल्लाह के नबी के घर के करीब से गुजरे रोज़ाना आदत करीमत अब सरकार के मामूल रात के क्या होते थे वो भी सुन लीजिए अब ये भी एक मालूम में इजाफा होगा उमिन आयशा सिद्दीका फरमाती थी कि सरकार नमाज ईशा से फारिग होकर घर तशरीफ लाते कुछ साहबा से मुलाकात करते आप खाना जो है मगरिब के बाद फरमा लेते थे फिर ईशा पढ़ के घर आते कुछ साहबा से कुछ ज़रूरी बातें होती और उसके बाद फिर आप अपने घर पर आकर आराम करते और आप ईशा की वितर को छोड़ देते थे उस वक्त वितर की नमाज नहीं पढ़ते थे आप जमात से ईशा पढ़ाई सुन्नतें पढ़ी वित्र छोड़ दिया कुछ देर सोने के बाद फिर आप बेदार होते और फिर तहजद की नमाज पढ़ते और तहजद के बाद फिर आप वित्र पढ़ते और उसके बाद वितर पढ़ने में तहजद पढ़ने में सिर्फ इतना वक्त होता था आयशा फरमाती है कि थोड़ा कुछ वक्त गुजरता तो फज्र का वक्त शुरू हो जाता फिर सरकार लेटे होते थे कि हज़रत बिलाल अज़ान देने से पहले जब मस्जिद की तरफ जाते तो हुजूर के हजरे के करीब से जाते और आवाज़ लगाते असला तो का या रसूल तो आगा हो जाते कि फजर का वक्त हो गया फिर आप वज़ू वगैरह करके नमाज की तैयारी करते एक मरतबा ये हुआ कि हज़रत बिलाल गुजरे तो आपने अपनी ज़बान से कहा असला खैर मिल्ल नमाज दिन से बेहतर है आखा कुछ बोले पसंद आ गए आपने बिलाल को बुलाया कहा बिलाल क्या कहा रसुल्लम मैंने कहा असला तो खैर नमाज दिन से बेहतर है फरमाया अपनी अजान फजर में इसका इजाफा कर लो तो ये इजाफा सबसे पहले तो ये भी रिवायत है किसने किया नबी ने थोड़े देर के लिए अब दूसरी रिवायत यह है कि हज़रत उमर ने किया कि मौजिद ने उनके घर के करीबी आवाज़ लगाई रिवायत वैसी है घर के करीब से आवाज़ लगाई उन्होंने कहा ये इजाफ़ा कर लो बस फ़र्क ये है कि एक रिवायत में रसूलल्लाह की तरफ इंतसाब है एक तरफ़ अब हजरत उमर अब अगर उमर भी ये अज़ान में इजाफा करे तो ये बिदत नहीं है इस जाहिल को वो हदीस मिली जो मुतलका ने आम लोगों के लिए है और वो ये कि अगर जो हमारे दीन में कोई नई चीज़ ऐजाद करे वो बिदत है मगर इस खबीस को वो सयुल इस्नाद हदीस ना मिली कि जिसमें आका ने फरमाया बेसुन्नती वसूँगा क्यों कि खुल्फा जितना दीन मुझसे सीखे हैं जितना मेरे मिजाज को जानते उतना कोई दूसरा नहीं जान हज़रत उमर का फेल भी सुन्नत में दाखिल है साहबा का अमल भी हमारे लिए उजत यही वजह है कि वहाँ भी ये अमल करता है ये पलम्बर भी करता है तो अगर तू तो इतना ही अक्लमंद है अब जब तुझे मालूम हो गया कि हजरत उमर ने इजाफा कर यह बीदात है तो फिर फजर की अदान में यह असला तो खैर मिनन्न बंद करवा दो क्या क्या बंद करवाओगे तुम तो? ये बंद करवा दो उसके बाद फिर जुमे की दूसरी अजान जो होती है सेकंड अजान वो किसने राजज की थी उस्मान गनी ने हर फिरके में फ़िरके की मस्जिद में हजान होती है चाहे अहले हदीस हो देवबंदी हो हम सुन्नी बरेलवी हो सब क्या होती है तो चाहिए कि फिर उसको भी बंद करवा दें तो बहरहाल अल्लाह के नबी ने ख़ुद ही हुक्म दिया कि मेरे बाद मेरे खुलफ़ा राशिदीन की पैरवी करो बल्कि एक हदीस में तो वाज है तिर्मिजी शरीफ की हदीस है ये किताबलम हदीस नंबर तीन हज़ार छः सौ तिरसठ अन हुज़ैफ़त रबील्ल तजरत हुआत करते कलाकुन्ना जुलूसन इन दन नबी सल्लम कहते हम रसोल्ला के पास बैठे थे साहब कराम फ़कल अल्लाह के नबी देर शाद फरमाए और ये हजूर की जिंदगी की आखिरी याम के वक्त की बात है इन इलादरी माँ बकायुम आपने फरमाए लोगो मैं नहीं जानता कि मेरे साथ क्या होंगे मतलब माँ बकाय कब में कब तक मैं तुम में रहूँगा मुझे ठीक से नहीं पता कि मैं तुम्हें आखिर कब तक रहूंगा फकदू बादी मेरे बाद तुम किसकी पैरवी करोगे किसकी इतवा करोगे किसके नक्शे कदम पर चलोगे ऐ मेरे साहबा बताओ मेरे बाद तुम किसकी पैरवी करोगे फिर सदरत कहते हुआ इशारा इला अबा बकरीन व उमर फिर आपने इशारा करके कहा कि मेरे बाद जिसकी पैरवी करना वो अबू बकर और वो उमर है जो सरकार ने वाजे तौर पर हुक्म दिया है तो बहरहाल इस तरह के किस किस फिरक़े पर हम बात करें ये सब वो इल्म है जो इल्म मुजीर है जिससे ये खुद नुकसान में और उम्मत को नुकसान पहुंचा रहे हैं और ये एक आखिरी क्लिप दिखा के मैं इसी पर फिर अख्तितम कर रहा हूं कि इस सारे मजमुए के बारे में फिर एक नया तबका पैदा हुआ है ये अब आजकल इस मिजाज के लोग ज़्यादा है 90 परसेंट समझ लीजिए इस तरह के ज्यादा लोग होते जा रहे हैं दस परसेंट पंद्रह परसेंट जो है आज मुतली व मजबूत सुन्नी रह गए हैं, वरना आजकल की सिर्फ नियाज खाने खाने तक और खाने तक और पीने ही रह गई है अमल के मामले में जीरो बटे सन्नाटा है मिजाज इसकी तरह हो गया जरा सुन लीजिए क्या है। अपने-अपने अपने-अपने अकीदे अकीदे पर पक्के रहो। के रहो। अपने -अपने अकीदे पर पक्के पक्के रखो रखो गुंजाइश गुंजाइश यही हमारे सुनने का मिजाज हो गया है अपने अकीदे पर रहो दूसरों को छोड़ो ना यार अपने को क्या लेना है हलवा खाते रहो गैरवी खाते रहो बस ये तालीम देने वाला ये मरदूद है नौटंकी दूसरे के लिए गुंजाइश रखो बोलने में कितना अच्छा लग रहा है सुनने में कितना अच्छा लग रहा है अपने अपने अकीदे पर पक्के रहो तो जनाब एक अकीदा तो वह है कि अली खुदा है तो क्या उनके लिए भी गुंजाइश है आपके पास एक अकीदा तो वह है कि रसूल के बाद भी नबी आ सकता है उनके लिए भी आपके पास गुंजाइश है एक अकीदा यह है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना पेशाब नहीं रोक सकते उसके लिए भी आपके पास गुंजाइश है और अगर इन लोगों के लिए गुंजाइश है आपके पास तो फिर आप मुसलमान नहीं हो सकते तो के इस्लाम हकानियत का नाम है बातिल और हक के मजमु का नाम नहीं है गोबर गोबर है हलवा हलवा है अगरचे देखने में मिलते जुलते दिखते हैं हलवा खाया जाएगा गोबर नहीं खाया जाएगा जो कौम गोबर खाती है आप उसको जानते हैं उनसे हमारा इस मामले में तालमेल नहीं हो सकता दूध पिया जाएगा पेशाब नहीं पिया जाएगा पेशाब पीने वाली कौम को भी आप जानते हैं हमारे धर्म में हमारे मजहब में दूध की इजाज़त है पेशाब की इजाज़त हक में मिलाए नहीं जा सकते रात और दिन एक नहीं हो सकते ये चाहलाना जुमले ये बिल्कुल वही जुमले हैं जो मशरिकीन के जुमले थे ये मुशरिकों की बोली है ये मोमिन की बोली नहीं है जब नबी पाक बुतों की मजम्मत करते थे मक्का में तो सारे अरब के जितने मक्का के वो सरदार थे जमा हुए अबू तालिब हुजूर के चचा के पास आए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त अबू तालिब के पास रहा करते थे कहा कि अबू तालिब अपने भतीजे को समझाओ हमारे माबूदों को बुरा कहता है बस हमारे माबूदों को बुरा ना कहे हमें कोई एतराज नहीं वो किस खुदा को मानता है किस खुदा की इबादत करता है उससे कोई गरज नहीं सिर्फ हमारे बुतों को बुरा ना कहे अगर वो बादशाह बनना चाहता है मोहम्मद हम बादशाह अगर को हसीन लड़की से की ख्वाहिश है।, है हर कबीला इतना माल और इसबाबा कि मोहम्मद से ज्यादा आमिर पूरे अरब में कोई ना होगा बस हमारे महबूद को बुरा कहना मोहम्मद छोड़ दे अबू आए भतीजे अहले मक्का ये कह रहे हैं आका ने क्या जवाब दिया था बारह आपने सुना कहा एक हाथ में चांद लाकर रख दे और दूसरे हाथ में सूरज लाकर रख दे खुदा की कसम मैं तब भी अल्लाह के पैगाम बताने से बाज नहीं आऊंगा तो हक और बातिल कभी एक नहीं हो सकते इसका जवाब एक छोटा सा बस मुतालबा ये जो मुतालबा जिस दिन मेरा पूरा कर दे मैं उसकी गुलामी के लिए तैयार हूं चाहे वो तारिक जमील का चाहने वाला हो अब ये तो पागल हो गया बेटे की मोहब्बत में उसका बेटा भी मरा खुदकुशी किया इसी के देवंद का एक मौलवी है अभी वो क्लिप मेरे मोबाइल में है इसमें लैपटॉप में नहीं डाल पाया मैं वो ख़ुद कहता है कि मैं तारिक जमील से मिलकर आया तो तारिक जमील अब दीवाना हो चुका है होश आवाज़ ख़त्म हो गए नहीं इसका बेटा मरा अभी सगा बेटा गोली मार दिया उसने अपने आप को और इतना बेसबरा हो गया कि उसी की मोहब्बत में रोता रहता और वो खुद तनकीद कर रहा है देवबंद का ही मौलवी है कहता तारिक जमील ख़त्म हो गया बोले अब कोई काम का नहीं हो रहा उसको दो लोग उठा के लाए बोले जब मैं मिलने गया पकड़ के लाए बोले उसको दो लोग सारी ज़िंदगी बोले सब्र सब्र बोलता रहा बोले और खुद इतना बेसब्र हो गया सारी ज़िंदगी लोगों को बोले कुर्बानी और अल्लाह की रजा पे राज़ी रहना ये सिखाता रहा बोले आज खुद राजी नहीं है तो ये ख़त्म हो गया अब फुसकी हो गया अब ये अब इस बम में कोई धमाका नहीं रहा तो इससे तो तवे नहीं है कई बार कई सालों से मैं मुतालबा कर रहा हूँ कि तारिक जमील साहब ये जो आपने एक जुमला लाया है और ये पूरी कौम को उल्लू बनाया है आपने और आपकी इस बयान आपने नौटंकी आपके धोखे वाले आंसू रोते हो आप इस तरह के शियाओं को भी आपने मात दे दिया रोने में ये जो नौटंकी करके आप ड्रामा करते हो कि एक दूसरे के लिए गुंजाइश रखो अपने अपने अकीदे पर पक्के रहो एक दूसरे के लिए गुंजाइश रखो एक दूसरे को काफिर ना बोलो ये जो आपने फ़लसफा लाया सिर्फ़ कुरान की एक आयत दिखा दो मैं आपकी गुलामी करने के लिए तैयार हूँ एक हदीस दिखा दो अल्लाह के नबी ने कहा कि अपने अपने अकीरे पर रहो और एक दूसरे के लिए गुंजाइश रखो मिलजुल के रहो एक हदीस दिखा दो मैं आपकी गुलामी और आपकी बात मानने के लिए तैयार हूं अब आप तो गए अब किसी काम की नहीं रहे तो आपका कोई चाहने वाला दिखा दे आपका कोई मानने वाला दिखा दे आपका कोई मतदिद दिखा दे खुदा की कसम में जिम्मेदारी से इस मिंबर पर उलमा की मौजूदगी में इनको गवाह बना के कहता हूँ पूरे कुरान में एक आयत आपको ऐसी नहीं मिलेंगी जिसमें अल्लाह ने फरमाया हो अपने अपने अकीदे पर कायम रहो और एक दूसरे के लिए गुंजाइश रखो ये तो नहीं मिलेगा बल्कि कुरान में उसके बरक्स क्या मिलता है पारा नंबर एक सूरह बकरा आयत बयालीस अल्लाह फरमाता है वला तलबुल्ह का बिलबातिलहक का वन तुम लोगो हक और बातिल को आपस में ना मिलाओ ये रब कह रहा है फारूक रजवी नहीं कह रहा है जाओ कुरान अजीम की आयत नंबर बयालीस सूरह बकरा पारा एक उठा के देख लो जिसका चाहो तर्जुमा देख लो यही तर्जुमा मिलेगा वला बिसक का बिल बातिल हक और बातिल को आपस में ना मिलाओ गुत्थम गुत्था ना करो हक और बातिल का मजमू मत बनाओ गोबर और हलवे को एक साथ ना करो पाकी और नापाकी को ना जोड़ो वह तक हक का वह तुमता और जानते बूझते दानिश्ता दीदा तौर पर समझते हुए हक को ना छुपाओ और अब कह रहा हैं हक को छुपाओ नहीं तुम मोमिन मुसलमानों तुम्हारा काम ही यही है तुम बेहतरीन इसलिए हो कि हक को वाजे करो कु तुम खैर उम्मीन उमरू नबिलमरूफ वतन हावना अनिल मुनकर तुम बेहतरीन उम्मत हो जो उम्मत जाहिर की गई हो तुम्हारा काम यही हो कि भलाई का हुक्म देते हो और बुराई से रोकते हो बुराई और भलाई को मिला मजमुआ नहीं बनाते हो तुम खुदा के वास्ते आज वक्त है मैं समझाने आया हूँ इसी मकसद के लिए इतने दूर से मुझे नौजवानों ने बुलाया कि आपको ये बता सकूँ समझा सकूँ कि हक़ को समझो और हक़ के साथ हो जाओ ये चीज़ छोड़ दो कि सब ठीक है जो ठीक है उसी के साथ होना है हमें कुरान हमें यह नहीं कहता कि बातिल और हक एक हो जाओ कुरान ये नहीं कहता एक दूसरे के लिए गुंजाइश रखो बल्कि कुरान और हदीस ये कहते हैं कि हक़ के साथ हो जाओ एक दूसरे मकाम पर कुरान कहता है पारा अट्ठावी सूरह हशर आयत बीस रब फरमाता है लायतव्य अल्लाह फरमाता है क्या जन्नत वाले और दोजख वाले बराबर हो जाएंगे बोलिए आपका क्या ख्याल है ये रब कह रहा है लायस्तव्य साहब नारी वन्न क्या जहन्नम वाले और दोजख वाले बराबर हो जाएंगे हरगिज़ नहीं असहाबुल जन्नति हमफाजू जो जन्नत वाले हैं वही कामयाबी को पहुँचे कामयाबी जन्नत में है और जन्नत कहाँ है मुस्तफा की गुलामी में है मुस्तफा के फरामीन में है आका सलम की तालीमत में और आका की ये तालीम नहीं कि हक और बातिलिक हो जाओ तो जो बाति लकीदे हैं हम ये नहीं कहते कि उनसे आप लड़िए मारा पिटी कीजिए गाली गलोच कीजिए नहीं अपने अकी अहल सुन्नत को पहचानिए जानिए और उस पर कायम रहिए आज नौजवानों की जिम्मेदारी है सारा सारा दिन मोबाइल में वक्त गुजारते हो आप लोग सबसे पहले तो नमाज की पाबंदी करो बड़ी अजीब बात है यार अहले बैत की मोहब्बत की बात आती है तो रामदियों के साथ चले जाते हो तोहिद की बात आती है तो गैर मुकलद अहले हदीसों के पास चले जाते हो नमाज़ पढ़ने का टाइम आता है तो तबलीग में चले जाते हो अरे भाई साहब आपको सुन्नी रहकर नमाज़ पढ़ने में कौन सी मौत आ रही है सुन्नी रहकर अहले वैस से मोहब्बत करने में कौन रोक रहा है आपको सुन्नी रहकर अल्लाह की तौहीद पर मानने में आपको किसने रोका है ये चीज़ों का फ़ायदा ही तब मिलेगा जब आप सुन्नी रह कर ये सब काम करोगे सुन्नी रह कर बैत से मोहब्बत करोगे तो काम आएँगी सुन्नी रह कर नमाज़ पढ़ोगे तो काम आएंगे सुन्नी रह कर अल्लाह की तौहीद को जानोगे समझोगे और उस पर उसको ये उस पर ईमान लाओगे तो काम आएंगी अगर बदीदा होकर तौहीद की बात की तो कोई काम की नहीं बदीदा होकर नमाज़ पढ़ी तो मुँह पे मार दी जाएंगी बद अक़ीदा हो गए अहले बैत की मोहब्बत करते रहे मुँह पे मार दी जाएंगी सारी मोहब्बतें सारी चीज़ें कामयाब तभी है जब आप अहले सुन्नत तो इसलिए अहले सुन्नती हक जमात है यही वो जमात है जिस पर चौदह सौ साल से मुफसरीन मोदीन सारे इसी जमात में गुजरे इसके अलावा किसी जमात में आपको ना वली मिलेंगे ना इमा मिलेंगे ना ओलिया मिलेंगे किसी जमात में नहीं मिलेंगे। तो कुरान की ये तालीम बहरहाल नहीं है और एक आखिरी आयत इस पर मैं अख्ताम कर रहा हूँ नहीं अब जाने दीजिए जाके तब खत्म हो गया फना हो गया वो अब तो वजूद ही खत्म हो गया सवाल भी कुछ पूछना चाहते थे नौजवान बस ये आखिरी तारिक जमील की एक चलिए क्लिप देख लीजिए क्योंकि इनको तड़प किस बात की है वो भी सुन लीजिए क्यों तो इस नादान खेल में अपनी जिंदगी बर्बाद करते हो क्यों मैं मुसलमान बन के रहते हो इस उम्मत में इख्तलाफ शुरू से है हमेशा रहेगा यहां तक ना जाओगे एक दूसरे पर कुफर के फतह तो 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 तो। जन्नत में कौन जाएगा जन्नत में कौन जाएगा बड़ी समस्या खाली खाली रह जाएंगी बिल्कुल वो शिया वाली बात हुई कुछ नहीं बचेगा अल्लाह का दिल घबराएगा अल्लाह माजल्ला तो इनका ख्याल ये जन्नत खाली हो जाएंगी तो ये बोर हो जाएंगे तो ये फिक्र में आएगा जन्नत में कौन जाएगा इस हद तक मत जाओ उम्मत में अख्तलाफ रहा भाई साहब वो जो इख्तलाब उम्मत में है वो कुफर ईमान का नहीं है वो अख्तलाब वो है जिसके बारे में हदीस में आया किम के माबेन मा अख्तलाब भी रहामत है वो फ्रोही अख्तलाफ है जो इमाम शाफही का इमाम मालिक से इमाम मालिक का इमाम अबू हनीफा से है इमाम अहमद इबन हम्बल का इमाम शाफही से ये चारों इमा का आपस में जो इख्तलाफ है वो अक़ीदे पर नहीं है वो फ़्रोही मसायल है फ़रोही मसायल का मस्तून अमल पर है मस्तैबाद पर है उन चीज़ों पर अख्तिलाफ़ है जिसका हुक्म क़ुरान और हदीस में वाजे नहीं है तो हर इमाम ने अपने इल्म के मुताबिक उस पर कयास किया और जो जिस इमाम के मानने वाले ज्यादा थे जिसके ज़्यादा मौत चाहने वाले थे उसकी तहक़ीक़ और उसके कौल को उन्होंने कबूल कर लिया अकीदे पर अख्तलाफ नहीं है उनका सारे मिलकर चारों इमाम कौन है अहल सुन्नत है आला जद फरमाती है इस्लाम बाप है इस्लाम क्या है बाप है अहल सुन्नत व जमात माँ है और ये उस जमात और उस बाप की ये चार बेटे मालकी ईशाफ हम्बली हन्फी ये चार बेटे हैं चार औलादे तो वो इख्तलाफ तो था उसमें तो एक दूसरे पे कुफर के फतवे नहीं लगाए आप उस इख्तलाफ को यहाँ आज के अख्तलाफ पे ला रहे आज हमारा इन जो जमातों से अख्तिलाफ है फरूई मसाइल पर नहीं है याद रखिए अगर कोई रफा दैन करके नमाज पढ़ता है उस बुनियाद पर हम उसको काफिर नहीं कहते याद रखिए अगर कोई जोर से आमीन कहता है उस बुनियाद पर हम उसको काफिर नहीं कहते अगर कोई इमाम के पीछे नमाज पढ़ते हुए सूरह फातिया पढ़ता है हम काफिर नहीं कहते कोई अगर नमाज़ में रुकू में जाते वक्त और रुकू से उठते वक्त रफादैन करता है हाथ उठाता है हम काफिर नहीं कहते क्योंकि हमारा इस बारे में सिर्फ इतना इख्तलाफ है कि हम कहते हैं ये भी हदीसों में आया और ये भी हदीस है कि रफादैन नहीं करना चाहिए यह भी हदीस है कि इमाम के पीछे सुरफातः नहीं पढ़नी चाहिए करत नहीं करनी चाहिए यह भी हदीस में है कि ज़ोर से आमीन नहीं कहना चाहिए यह भी हदीस है यह भी हदीस है हदीस के रवियों में इख्तलाफ है जिस इमाम की जिस आलिम की जिस तहकीक पर, जिस हदीस पर एतम ज्यादा हुआ वो उस पर अमल कर रहा है तो दोनों का अमल ही पर, पर, तो पर, पर, पर आपसे पूछता हूं कि ऐसे शख्स भी काफिर नहीं है जो क्या अली खुदा है तारीख जमील के पर अमल किया जाएगा एक दूसरे को काफिर नो गुंजाइश रखो जो कहे कि रसूल के बाद नबी आ सकता है जो कहे कि नबी का इल्म गैब जानवर और पागलों की तरह है जो नबी को मासूम न कहे कहा नबी से भी गलती और खुद है और गुना हुए माज़ल्ला ऐसा कहने वाला कैसे मुसलमान हो सकता है इस बारे में हम इनसे कोई कम्प्रामाइज नहीं कर सकते मगर तारिक जमील साहब को दर्द यह है कि अगर एक दूसरे को आप काफिर कहते रहे तो फिर जन्नत में कौन जाएगा तो तारिक जमील साहब आपको इतनी तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है ये उम्मत रसूलुल्लाह की बनाई हुई है आका ने अपनी उम्मत को गुमराही पे नहीं छोड़ा है ऐसा नहीं छोड़ा है कि आप जैसे जाहिल आके आप इस उम्मत को संभाले और समझाए आका ने अपनी उम्मत को हर चीज समझा दी और क्या समझाई सहाबा साहब ने इस रिवायत को नकल किया और तीन सौ चौवालीस में हदीस आई बहत्तर फिरके हुए और वो गुमराह हुए व तफतरे को सब्ला मेरी उम्मत में भी अख्तिलाफ होगा तो मेरी उम्मत तिरहत्तर फिरकों में बढ़ जाएगी फिनार सब के सब जह में जाएंगे इल्ला सिर्फ़ एक के के मेरे मेरे पर होगा वही जन्नत में जाएगा तो उन्होंने बता दिया कितने फिर जहनम में जाएंगे बहत्तर और कितना जन्नत में कितने फिर जाएंगे सिर्फ एक नबी कह रहे हैं एक जाएगा ये कह रहे हैं जन्नत में कौन जाएगा गुंजाइश रखो तुम्हारे गुंजाइश रखने से क्या हो रहा सबसे पहले तो तू में जाएगा अल्लाह कहेगा मेरा नबी कह रहा था तिरहत्तर होंगे बहात्तर जहनम में जाएंगे और तू सबको जन्नती बनाते फिर था तू था कौन पैगंबर था रसूल था तू कौन था कौन सेमड़े ना खींच खींच के तो बात करता था तू जब तक हलक में निकलता नहीं है आवाज भी निकलती है सू सू करता है सेमड़ा बकरा होता है ना वो हमारे उसको बोकड़ बोलते हैं आप क्या पता नहीं क्या बोलते हैं वो जो बकरा होता है ना वो खींचता रहता है उस, उस तरह तेरी हालत है दुनिया में तेरे को दिखा दे कि तेरी वहां भी गिजा क्या होने वाली है तो ऐसे लोगों के बहकावे में मत आइए भाई अपने उलमा से रबता रखिए अपने बुजुर्गों से मोहब्बत रखिए नौजवानों को मैं जो पैगाम दे रहा था बात दूर निकल गई मुताल करने की आदत डालिए बहुत ज़रूरी है रोज़ाना का एक मामूल बनाइए अपने अहले सुन्नत के उलमा की किताबें लाइए छोटे छोटे किताब तो शुरू कीजिए दिलचस्पी बढ़ती है तो आदमी फिर बड़ी बड़ी किताबें पढ़ता है तो वक्त पता नहीं चलता ये तो छोट छोटी छोटी किताबें मेरी मजबूरी होती है कि इतना फ़्लाइट का सफ़र होता है फ़्लाइट से आना जाना पंद्रह किलो से ज़्यादा अलाउड नहीं है एक फ़्लाइट में तो इतनी सारी सब किताबें ला नहीं सकता वरना अल्लाह का शुक्र है कि कई कई जिल्दों की किताबें पढ़ता हूँ मैं लाइब्रेरी में, में मेरी सैकड़ों किताबें हज़ारों की तादाद में किताबें तो शुरुआत मेरी भी छोटी छोटी किताबचों से हुई थी दिलचस्पी बढ़ी आज बीस बीस पच्चीस पच्चीस जिल्दों की किताबें पढ़ लेता हूँ तो पता नहीं चलता तो अपने नौजवानों से कहूँगा अपने उलमा की किताबें पढ़िए ताकि आपको अहले सुन्नत व जमात के अकीदे पता चले जब अपनी आपको हीरे की परख हो जाएंगी अगर कोई कांच का टुकड़ा ला हीरा बा कह के दिखाएंगा आप धोखा नहीं खाओगे आपको हीरे की परख नहीं है इसलिए कोई भी कांच का टुकड़ा ले आता और कहता है देखो ये हीरा है आप उसी को हीरा समझ लेते हैं तो मुताल कीजिए पढ़ने की आदत डालिए जो लोग उर्दू नहीं समझते उर्दू नहीं पढ़ते तो कम से कम उलमा से वाबस्ता रहिए उनसे मसाइल पूछा कीजिए